हेलो एवरीवन आपका स्वागत करता हूँ सी डी पी की कंप्लीट क्लास में एक वीडियो आपने देखी तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी बाल विकास की समझ आपके अंदर आ गई मैं ये समझ कर ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप बाल विकास के अंदर जीरो हो बुरा मत मानना मैं यही सोच कर चलूँगा कि आपने मुझे कहा कि बाल विकास के अंदर मुझे कुछ नहीं आता और आपने कहा कि मुझे वो चाबी चाहिए जिससे मैं यूपी टेट सी टेट और रीट का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसको क्लियर कर लूँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था इस वीडियो को लेकर आने का इस पूरी वीडियो के अंदर हम तीन घंटे में अब देखिए तीन घंटे में आपको लगेगा यह तीस मिनट का हो सकता था यह तीस मिनट का नहीं तीन मिनट की वीडियो भी हो सकती थी लेकिन वो आपको तीन दिन भी याद नहीं रहता तो आपके माइंड के ऊपर छप जाने वाली ये वीडियो होगी इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ की गुरु दक्षिणा मांगना चाहूँगा वो होगी कि आप अपने हाथ में कॉपी रखें और एक पेन रखें क्योंकि जो चीज़ मैं बोलूंगा वो आपको राइट डाउन करनी पड़ेगी और कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा अपने एग्जाम को क्लियर करने से तो आज की सबसे जबरदस्त वीडियो होगी पेपर में आग लगा दोगे और जिसने ये वीडियो देखी देखते ही पेपर पास आज ही क्योंकि संपूर्ण बाल विकास कंप्लीट चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी इन वन वीडियो तो जल्दी से आप आए और लाइक का बटन दबाएं दोस्तों हाँ जी और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों जो इस पूरी वीडियो को देखेगा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है गिफ्ट है मेरी तरफ से जो इस पूरी वीडियो को देखेगा पूरी वीडियो को देखने के बाद जो लाइक करेगा कमेंट करेगा और शेयर करेगा तीनों चीजें करेगा वो नीचे अपना नाम लिख देगा कमेंट में तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं चार स्टूडेंट्स को चार स्टूडेंट्स को क्या करने वाला हूं देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं चार स्टूडेंट्स को अपनी बैक टू स्कूल एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर फ्री सब्सक्रिप्शन देने वाला हूं ठीक है मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है वैसे तो गिफ्ट आपको देना चाहिए लेकिन मेरी तरफ से ही समझ लीजिए बस यही करना होगा पूरी वीडियो देखनी होगी ठीक है और ये मैं आप लोगों के सामने ही जो है कल शाम को पिक कर लूंगा विनर ठीक है आपके सामने ही चलिए दोस्तों अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं कॉपी पेन ले आए तो लिख दीजिए यस सर मेरी नजर आपके कमेंट पर है यस सर टाइप करो फिर हम आगे बढ़ते हैं दीपक कुमार सुरभि रिचा तिवारी मोहित प्राची सबको वेलकम सबको नमस्ते मुस्कान जो नए स्टूडेंट है टूट पड़ो वीडियो के ऊपर नीचे लाइक का बटन होगा उसके ऊपर टूट पड़ो सब्सक्राइब करते चलो ठीक है और राजस्थान और यूपी वालों से स्पेशल गुजारिश है आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये डिजाइन किया है और सीटेट वालों के लिए तो मतलब ये जड़ी बूटी से भी ज्यादा जरूरी है सीटेट की तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को आज की क्लास में हम करेंगे बाल विकास को पूरी तरीके से कंप्लीटली इसके अंदर हम समझेंगे कि बाल विकास आखिरकार है क्या और बाल विकास के अंदर जो तीन अवस्थाएं हैं शैशवावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था यानी कि वी विल टॉक अबाउट इन्फेंसी चाइल्ड हुड एंड एडलोसेंस वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू देम काफी चीजें जो उनसे जुड़ी हुई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में तो चलिए दोस्त अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं चलिए जी यस 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 के कमेंट आने लग गए मेरे पास तो देर किस बात की है अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दो सौ है अभी लाइव आई होप मैंने हजार का आंकड़ा इस पूरे 2019 में नहीं छुआ है लाइव में आई होप कि ये पॉसिबल हो खैर कोई बात नहीं कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो लेकिन आप ये नहीं है वीडियो देखते जाओ फल की इच्छा मत करो फल की इच्छा आप पहले करो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद फल ही फल मिलेंगे आपको चलिए दोस्त तो शुरू करते हैं जबरदस्त वीडियो को सबसे पहले समझते हैं शैशवावस्था का अर्थ देखिए बालक जन्म लेने के बाद जो सबसे पहली अवस्था है बालक के जन्म लेने के बाद की अवस्था को शैशुआवस्था कहते हैं यह अवस्था दो वर्ष तक मानी जाती है तथा तो इस शैशुआवस्था को एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है वो क्या है वो है शैशवावस्था बालक के निर्माण का काल है बालक के निर्माण का काल यानी कि बालक जब इस पृथ्वी पर आया इस संसार के अंदर जब उसकी उत्पत्ति हुई तो उसकी प्राथमिक पहली अवस्था सहसुआ है और उसके अंदर ही बालक का निर्माण हुआ है इसीलिए इसको बालक का निर्माण काल भी कहा है अब देखिए जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके चौदह दिन के अंदर उसको नवजात कहा जाता है इन्फेंट इन्फेंट आपसे पूछा जाएगा कि इन्फेंट किसको कहते हैं जिसको समझ नहीं वो क्या लिखेगा वो लिखेगा जीरो से दो साल फिर वो क्या हो जाएगा गलत तो ठीक क्या होगा इन्फेंट होता है चौदह दिन का बच्चा दो हफ्ते का बच्चा चौदह दिन तक उसको इन्फेंट बोलेंगे ठीक है और ये जो इन्फेंट होता है यानी कि जो नवजात शिशु का आकार होता है जो चौदह दिन के बच्चे का आकार होता है वो उन्नीस पॉइंट पांच इंच वेट उसका सात से साढ़े सात पाउंड होता है और वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध के ऊपर निर्भर करता है और वो धीरे धीरे संसार के प्रति अपनी आंखें खोलता है तो ये था इसका इंट्रोडक्शन अब बताओ समझ में आया शैशवावस्था का इंट्रोडक्शन जब इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त है तो एक एक चीज आगे जो हम पढ़ेंगे वो कितना जबरदस्त होगा चलिए आगे पढ़ते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अब आपने देखा होगा कि शैशवावस्था को अलग अलग नामों से जाना जाता है एक नाम हो तो ठीक है दो नाम हो तो ठीक है पांच पांच दस दस नाम एक को भी मिस नहीं करेंगे सबसे पहला काल है सीखने का आदर्श काल दूसरा है भावी जीवन की आधारशिला पहले का मतलब हुआ कि सीखने की स्पीड इसके अंदर आपको तेज मिलेगी देखते हैं होता है या नहीं अब देखिए इनके नामों को देखते रहिए आप आपके माइंड में दिक्कत यह रहती है कि सर इन नामों को इलेबरेट करो अब जब आप कंटेंट समझेंगे तो यह सारी की सारी आपको विशेषताएं दिखेंगी एक विशेषता उठाई वो नाम रख दिया दूसरी विशेषता उठाई वो नाम रख दिया जैसे रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट इसके अंदर मिलेगी सीखने की स्पीड इसके अंदर तेज मिलेगी इसलिए सीखने का आदर्श काल है परफेक्ट एज फॉर लर्निंग उसके बाद भावी जीवन की आधारशिला यानी कि जो आगे आपका जीवन आएगा बाल्यावस्था किशोरावस्था वो डिपेंड करेगा इस पर शैशवावस्था में आपके मां बाप ने ध्यान नहीं दिया होता तो बेटा यहां पर आकर आप वीडियो नहीं देख रहे होते तो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काल अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था क्या सीखते हो अनुकरण करके अनुकरण करके बच्चा इस टाइम पर बहुत कुछ सीखता है अनुकरण करता है वो अपने परिवार के अंदर अपने माँ बाप का और अनुकरण के सहारे वो अपनी प्राथमिक भाषा को अर्जित करता है यानी कि अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को वो सीखता है तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था आगे बहुत रैपिडली यहां पर फिजिकल डेवलपमेंट करने की अवस्था क्षणिक संवेग की अवस्था इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर बच्चे के अंदर इमोशन आएंगे तो इमोशन को रोकेगा नहीं अगर आपके अंदर इमोशन आ जाए मान लो आपको दर्द हो तो अगर मान लीजिए छोटे बच्चे को दर्द हो जिसकी एज जीरो से दो साल के बीच में है वो क्या करेगा वो रो पड़ेगा वो अपने संवेगों को रोकेगा नहीं ठीक है तो क्षणिक संवेग की अवस्था एक क्षण में संवेग आया आपने संवेग की जो मूल प्रवृत्ति है उसको बाहर निकाल दिया लेकिन आप जब उत्तर वाले अवस्था में जाएंगे तो दर्द होगा तो आप उसे छिपाने की कोशिश करेंगे यू विल ट्राई टू बी अ मैन तो ये फर्क होगा तो इसे क्षणिक संवेग की अवस्था बोलते हैं इसमें संवेग छिपते नहीं समुचित सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि दो साल की उम्र तक जितने भी इमोशन होते हैं वो सबके सब बच्चे के अंदर आ जाते हैं ये तो सिर्फ नाम बता रहा हूं जब इन सब चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा व्हाट रियली टीचिंग इज शैश्वावस्था की अब विशेषताओं की बात करते हैं ये तो थे इसके निक नेम कितने निकनेम हुए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देर आर सेवन ओके अब इसकी विशेषताएं देखते हैं देखिए शैशवावस्था वैसे तो बाल विकास की पहली अवस्था है लेकिन मानव विकास की दूसरी अवस्था है अब आप बोलेंगे इसका नंबर सेकंड कैसे आ गया ऑब्वियसली सेकंड है क्योंकि जो पहली अवस्था है वो गर्भ काल की जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे जिसमें शरीर पूर्णतः बनता है और शैशवावस्था में उसका विकास होता है और इसकी विशेषताएं अगर हम देखें शैशवावस्था की उससे पहले नजर डालनी होगी इस गर्भ काल में गर्भकाल कितने पार्ट में होता है देखिए जो आप अपनी माता के गर्भ में रहते हो डिम्बा पिंडा भ्रूणा ये तीन अवस्थाएं होती हैं याद रखना 270 या 280 दिन की ये होती है आई माइट बी रोंग 10 दिन ऊपर नीचे आप मुझे बता दीजिएगा ठीक है चलिए अब इसकी विशेषताओं की तरफ देखते हैं नए स्टूडेंट हो टूट पड़ो यार वीडियो के सब्सक्राइब बटन के ऊपर एड आई एम सो मोटिवेटेड टू टीच यू यार सीरियसली मैन एक साल के अंदर मुझे आज पहली बार इतना अच्छा महसूस हो रहा है बिकॉज आई वॉन्ट टू जस्ट टीच और मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है आगे देखिए अब शैश्वावस्था की विशेषताओं को मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये विशेषताएं आपको दिखें तो टिक मार्क लगाना है कि शैश्वावस्था है ये सबसे पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका फिजिकल डेवलपमेंट काफी रैपिड होता है दूसरा पॉइंट मानसिक क्रियाओं की तीव्रता जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर सिर्फ एक संवेग होता है उत्तेजना वो सिर्फ कुछ क्रियाएं पहले से ही सीख कर पैदा होता है जैसे कि वो अपनी मां का दूध पीने लगता है ठीक है जैसे कि सकिंग चूसना वगैरह तो मानसिक क्रियाओं में धीरे 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 इमेजिनेशन पावर उसके बारे में भाषा सीखने की क्षमता ये डेवलप हो जाती है पहली अवस्था में तो मानसिक क्रियाओं की तीव्रता इसको इलेबरेट करेंगे आगे ये मत सोचना कि मैं इसको समझा के आगे नहीं चल रहा हूं डोंट वरी अबाउट इट एक एक चीज आप समझेंगे उसके अलावा दूसरों पर निर्भरता यानी कि आप डिपेंडेंट होंगे अपने माँ बाप के ऊपर इस एज में बच्चा डिपेंडेंट होता है अपने मां बाप के ऊपर नैतिकता का अभाव इसके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती यानी कि इसके अंदर समाज आपको जज नहीं करता अगर आप एक पार्टी में गए हैं और आपकी एज दो साल से नीचे है तो आप कहीं पर भी सुसु कर सकते हैं नो बड़ी विल माइंड सब बोलेंगे छोटा बच्चा है कोई बात नहीं लेकिन अगर आप आठ नौ साल के हैं और आपने ये काम कर दिया तो आपसे बड़ा बेजती का पात्र वहां पर कोई नहीं होगा क्यों क्योंकि समाज ने आपको जज करना शुरू कर दिया है क्योंकि जो शुरुआती बच्चा होता है दो साल से छोटा उसको अनैतिक माना जाता है नैतिकता का अभाव होता है उसमें लेकिन बाल्यावस्था में नैतिकता धीरे धीरे बढ़ती है कंट्रोल की जाती है उसके अलावा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार यानी कि बच्चे के अंदर इमोशन आया तो वो बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड व्यवहार करेगा यानी कि ही विल बिहेव अकॉर्डिंग टू द इमोशन एंड हिज बिहेवियर विल बी बेस्ड अपॉन बेसिक इंस्टिंक्ट एंड बेसिक इंस्टिंक्ट आर जस्ट नॉर्मल रिएक्शंस व्हिच एनीबडी प्रोड्यूस नेचुरली If you will feel any kind of emotion and you will behave naturally, then that behavior, particular behavior is your basic instinct. यानी कि एक मूल प्रवृत्ति वो प्रक्रिया है जो संवेग आने के बाद कोई भी प्राणी बेसिकली करता है जैसे आपको गुस्सा आया तो आपने हिंसा की तो ये जो हिंसा है ये हुई मूल प्रवृत्ति और जो आपका गुस्सा आना है जो आपका मतलब कि गुस्सा आया आपको वो इमोशन है तो बच्चे के अंदर जब भी इमोशन आते हैं तो वो उनको दबाता नहीं है इमोशन को सप्रेस करने की ताकत नहीं होती है इस टाइम पर क्योंकि ना तो बड़ों का डर होता है ना खुद की इच्छा होती है तो इस टाइम पर मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है उसके बाद संवेगों का प्रदर्शन जैसा मैंने बताया इमोशन आया वैसे का वैसा वो प्रदर्शित करेगा भूख लगी रोने लगेगा हाथ पैर मारने लगेगा ऐसा नहीं है कि वो जाके बोले अब देखो संवेगों का प्रदर्शन बच्चा बाल्यावस्था में नहीं करेगा कैसे नहीं करेगा मान लो एक बच्चे को भूख लगी उसकी दो, दो साल से नीचे है तो वो रोएगा मम्मी को पता लगेगा कि वो भूखा है लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो जाता है मान लो चार पांच साल का है तो क्या भूख लगने पर वो रोएगा नहीं वो अपनी मम्मी के पास जाएगा बोलेगा मम्मी भूख लगी है यार कुछ दो ना तो इसका मतलब कि संवेगों के प्रदर्शन पर भी जो है आप एक फर्क देखेंगे अगली अवस्था में लेकिन इस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन भूख लगते ही रोना चलिए यहां तक आपने देखी विशेषताएं चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना अब हम क्या करेंगे अब इन विशेषताओं को देखने के बाद आपको लगा होगा यार ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है नहीं हुआ कंप्लीट यहां पर हम शैशवावस्था की अलग-अलग जो डेवलपमेंट के एरियाज होते हैं वी विल लुक इनटू इट अलग-अलग डेवलपमेंट के एरियाज को हम जो है इसके अंदर अब देखेंगे 397 वी हैव रीच्ड आई होप हम 1000 का जो है पार करें आई होप सो आपको अच्छा लगे तो नए स्टूडेंट जुड़ने चाहिए मेरे साथ और पुराने स्टूडेंट्स को फील होना चाहिए बैक चलिए अब शैशवावस्था और शारीरिक विकास यानी कि वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी इन्फेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट इन द डोमेन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के डोमेन में शैशवावस्था इंपॉर्टेंट है क्योंकि शैशवावस्था बालक का निर्माण काल भी है जो पूरे के जो शिशु का जो शारीरिक विकास है वो तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है यानी कि बच्चा जब पेट में होता है तब से ही शुरू हो जाता है लेकिन जो ये शारीरिक विकास है उसका मतलब है बच्चे के शरीर के अंगों में वृद्धि कई बार आप सोचते हैं सर शारीरिक विकास क्या है शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट को आप ग्रोथ भी बोलते हैं यानी कि शारीरिक अंगों के अंदर वृद्धि परिपक्वता आना ठीक है यानी कि एक बच्चा उसकी हाइट बढ़ती है वेट बढ़ता है तो शारीरिक विकास होता है और ये जो शारीरिक विकास होता है इसको आप मेजर कर सकते हैं देखिए डेवलपमेंट के अंदर एक लोता ऐसा एरिया जिसको आप माप सकते हैं आप माप सकते हैं कि मेरी नैतिकता का कितना विकास हुआ है? नहीं लेकिन आप माप सकते हैं मेरी हाइट कितनी है सीरियसली आप माप सकते हैं तो जिस डेवलपमेंट के एरिया को आप यूनिट के अंदर माप सके मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम ये सारी चीजें जो गणना की जा सके वो क्वांटिटेटिव हो जाती है तो एक आप कह सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एंड दैट इज आल्सो नोन एज ग्रोथ ठीक है अब देखिए शारीरिक विकास कैसे होता है चलिए आपने देख लिया अब हम देखते हैं मानसिक विकास देखिए शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है वो किसके द्वारा होगा आपने एक चीज देखी होगी कि जो छोटा बच्चा होता है आप उसको छोटे बच्चे को अगर मैं ये पेन दूंगा तो वो क्या करेगा ऐसे करेगा बिल्कुल करेगा पेन क्या उसे कोई भी चीज दो अपने मुंह के अंदर डाल लेता है उसे छूने की कोशिश करता है आगे आग जल रही होगी तो वहां पर भी जाके उसे छूने की कोशिश करेगा ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने ज्ञानेंद्रियों की क्षमता और गुणवत्ता के सहारे अपना मानसिक विकास करता है बच्चा अपना मेंटल डेवलपमेंट करता है अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो वो सुनता है उससे भाषा सीखता है जो वो देखता है उसे छूने की कोशिश करता है यानी कि भाषा यानी कि लैंग्वेज स्मृति यानी कि मेमोरी तर्क लॉजिक लगाना चिंतन सोचना कल्पना इमेजिनेशन निर्णय डिसीजन मेकिंग ऐसी योग्यताएं हल्के हल्के बच्चे के अंदर प्रविष्ट होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि जब तक गर्भ में था अपनी बच्चा माता के तब तक सारी चीजें बच्चे को नहीं करनी पड़ रही थी और हर मेन फैक्ट्री फॉर हिम लेकिन अब बच्चे को इस पूरी दुनिया के अंदर एंट्री मार लिया उसने पहली अवस्था में तो उसका शारीरिक विकास तो हो ही रहा है लेकिन उसका मानसिक विकास भी हो रहा है ठीक है वो भाषा वगैरह ये सब चीजें सीख लेता है अब देखिए इस अवस्था के अंदर कौन से ईयर होते हैं अगर शैशवावस्था इन्फेंसी की बात करूं तो इसके अंदर दो साल होंगे एक तो पहला और एक दूसरा क्योंकि जन्म से दो वर्ष तक तो ये होती ही है तो इसके अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं कई बार आप सोचते हैं कि यार ऐसी और वीडियो होनी चाहिए जिसके अंदर मुझे ये देखने को मिले कि स्पेसिफिक पहले साल में क्या होता है स्पेसिफिक दूसरे साल में क्या होता है तो चलिए ये मनोकामना पूर्ण करते हैं पहले वर्ष में क्या होगा देखिए याद रखना कि पहले साल के अंदर भी मैं स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा जैसे कि शुरू के पांच महीने में बच्चा सीख लेता है रोना हाथ पैर मारना जोर जोर से आवाजें निकालना और साउंड के प्रति रिएक्ट करना कहीं से जोर से आवाज आई ऐसे मुंडी फिरा लेगा वो इसका मतलब यह हुआ वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना यानी कि कंसंट्रेटिंग ऑन एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट यह भी बच्चा सीख लेता है स्माइलिंग आफ्टर रिकग्नाइजिंग हिज मदर अपनी माँ को देखकर मुस्कुराना वस्तुओं को पकड़ के मुंह में डालना ये सब कुछ सीख लेता है पांच महीने तक ही और दस महीने तक का बच्चा अपना नाम बोलना गेंद फेंकना ढक्कन खोलना ताली बजाना आसपास के वातावरण को पहचानना वस्तुओं को छूना तोड़फोड़ करना आदि कार्य करने लगता है तथा चलने का प्रयास करने लगता है जितने भी टेट एग्जाम आए हैं इन सबसे बाहर नहीं आया अगर मैं सिर्फ ये भी चीजें आपको बता देता और ये बोल देता देखिए दोस्तों सबसे खतरनाक वीडियो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट की झड़ी लगा देते बिकॉज यूट्यूब के ऊपर मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे टीचर चल रहे हैं लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है लेकिन यह चीजें इससे बाहर कुछ नहीं है अगर मैं आपको बताऊं तो लेकिन इनको समझने के लिए आपको डीप रूट्स तक जाना पड़ता है इसीलिए हमने ये तरीका अपनाया तो जन्म से पहले वर्ष में यह चीजें होगी अब दूसरा वर्ष भी होता है भाई सैशवावस्था में उसके अंदर क्या होता है देखिए दो वर्ष की अवस्था होने पर जो बच्चे होते हैं वो वाक्यों की रचना वस्तुओं के नाम बताने लगते हैं। यानी कि ये चीज पेन है ये ग्रीन कलर है ये कलर वस्तुओं के नाम कलर वलर नहीं अभी, वस्तुओं के नाम कि ये पेन है ये ग्लास है जिसको वो जानता है ठीक है और अपनी आवश्यकताएं भी बताने लगता है थोड़ी बहुत तो ये आपकी जो है दो वर्ष तक की हमें मेन मेन चीजें पता लग गई अब आपने संवेदिक विकास के बारे में भी सुना होगा इमोशनल डेवलपमेंट तो हमने फिजिकल डेवलपमेंट को देखा हमने मेंटल डेवलपमेंट को देखा तो अब हम संवेगात्मक विकास को भी देखते हैं देखिए संवेग का मतलब होता है इमोशन देखिए जन्म से ही बच्चे का संवेगात्मक व्यवहार शुरू हो जाता है जैसे ही वो जन्म लेता है क्योंकि जो नवजात शिशु होता है यानी कि चौदह दिन तक का जो बच्चा होता है वो तेज आवाज से डरने लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर बच्चा नवजात चौदह दिन का बच्चा तेज आवाज से डरेगा तो वट यू विल गेट आउट ऑफ इट यू विल नेचुरली अंडरस्टैंड कि उसने उसके अंदर कोई इमोशन आया फियर का तभी उसने रिएक्ट किया डरना अगर बच्चा डर रहा है तो आप समझ लेना बच्चे का बिहेवियर हुआ डरना आपने बच्चे को नोटिस किया कि बच्चा डर गया यानी कि बच्चे का बिहेवियर डरना और बच्चे का बिहेवियर किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है इमोशन के ऊपर तो मूल प्रवृत्ति आपने देखी डर... डरना मतलब कि हाथ पैर मारना घबराना तो उसका इमोशन क्या होगा उसका इमोशन हुआ होगा फियर तो आपने देखा कि फियर की वजह से बच्चा डर रहा है तो इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर शुरुआत से ही संवेग आने लगते हैं सिर्फ डरने का नहीं आपने देखा कि बच्चे की माँ जब उसे थपथपाती है तो वो हंसने लगता है है ना उसको दुलारने से बच्चे को जब उसकी मम्मी बोलती आ जाओ बेटा ये वो ये वो ऐसे साउंड साउंड निकाल के बोलती है ना हम तो मैं तो भाई अगर फीमेल होता तो आपको सेम टू सेम करके दिखा भी देता लेकिन भाई क्या करें हम ऐसे करते हैं जैसे मम्मी करती है तो भाई आप सोच सकते हो कि कैसे वो दुलारती है अपने बच्चे को उससे संवेगों की उत्पत्ति होती है ऐसा नहीं होता बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है उससे काफी ज्यादा होता है क्योंकि शुरुआत में जो इमोशंस होते हैं वो बस उत्तेजना मात्र होते हैं आपने एक लाइन बताई जाती है आपको कि शुरुआत में सिर्फ उत्तेजना होती है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि बच्चे के अंदर इमोशंस आने शुरू शुरू हुए हैं लेकिन उस इमोशंस को आप नरिश नहीं करेंगे या बच्चे के सामने नरिश नहीं किया जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा तो इसके अंदर जैसे कि आप उसको थपथपाते हैं तो संवेग की उत्पत्ति ज्यादा होती है उसके अंदर ठीक है चलिए लेकिन जब बच्चा तीन महीने का हो जाता है तब उसने कष्ट और आनंद के संवेग भी दिखाई देने पड़ते हैं चौदह पंद्रह दिन के बच्चे को आप देखकर नहीं बता सकते कि ये कष्ट में है या इसको मजा आ रहा है लेकिन जब बच्चा तीन महीने का हो जाएगा तीन महीने का तब बता सकते हैं कि बच्चे को कष्ट आ रहा है या बच्चा आनंद में है ठीक है अब देखिए अगर बात करूं छह महीने की तो छह महीने की आयु में उसे भय और क्रोध के संवेग दृष्टि गोचर होने लगते हैं यानी कि डर लग डर लगना और क्रोध आना बच्चा छः महीने की उम्र में आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर ये इमोशन आ जाते हैं और एक वर्ष की आयु में बच्चे के अंदर प्रेम और उल्लास तथा डेढ़ वर्ष की आयु में ईर्ष्या का संवेग दिखाई देने लगता है यहां पर अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं किसी भी इमोशन की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अरे हाईलाइटर भाई तो यहां पर ईर्षा के संवेद की बात होगी ईर्षा ईर्षा का मतलब होता है जेलेसी जेलेसी आने लगती है बच्चे की एक वर्ष की आयु में और डेढ़ वर्ष की आयु में इसका मतलब क्या होगा आपने देखा होगा जो एक डेढ़ वर्ष के बच्चे हैं आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो मान लो ए, एक लड़का है या कोई लड़की है छोटी सी डेढ़ साल की और वो अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई है और उसके पापा आ गए और वो मम्मी के साथ थोड़ी सी हरकत करने लग गए जैसे कि छेड़ना ये वो ये वो तो आप देखेंगे कि वो छोटा सा बच्चा गुस्से में आ जाएगा और अपने उस पापा को क्या करने लगेगा डिशुम डिशुम करने लगेगा ये ऑब्वियस सी बात है और आप लोग कई इसको एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे तो ईर्ष्या का संवेग आपको दिखाई देने पड़ेगा एक से डेढ़ साल की उम्र में भाई एग्जाम्पल देना जरूरी था ठीक है बुकिश लैंग्वेज से समझोगे नहीं ना आप और दो वर्ष की आयु की बात करूं तो उससे पहले बच्चा अधिक प्रसन्न होना आनंद आना क्रोध और घृणा तथा भय दिखाई देने लगता है यानी कि डेढ़ साल तक तो इमोशंस की इंटेंसिटी इतनी नहीं होती डेढ़ साल में ईर्षा तो दिखती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं लेकिन जब बच्चा दो साल का होता है तो फिर पापा की पिटाई पक्की ऐसा कुछ करते तो दो वर्ष की आयु में शिशु पहले से अधिक प्रसन्न होता है आनंदित होता है ज्यादा उसे क्रोध आता है और संवेगों की जो तीव्रता है वो बढ़ने लगती है ठीक है और तीन वर्ष की अगर आयु की बात करें तो उसे पूरी करते करते बच्चे के अंदर सभी संवेग आ जाते हैं वैसे तो दो साल में भी आ जाते हैं लेकिन पूर्णतः तीन साल तक इसके अंदर आ जाते हैं अंजी। अंजी। जी हांजी जी देखिए रुचि चौधरी जी ईर्षा का संवेग आगे बना रहेगा अब देखो आपने कमेंट किया कि वो अगर बच्चा अपनी मां देखता है कि उसकी मम्मी किसी दूसरे लड़के को खिला रही है तो वो बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था की आप बात कर रही हैं शैशवावस्था में चाहे कोई भी हो समझ रहे हो ईर्ष्या सबसे होगी बाल्यावस्था में पापा से पिटाई करने का पिटाई खाने का डर भी तो होगा ना वो तो घुसे घुसे नहीं मारेगा चलिए <laughs> खैर सांवेदिक विकास आपने पढ़ लिया अब क्वेश्चंस करते हैं जी अब आप लोगों में से मुझे क्या बोलते सर क्वेश्चन लियाओ क्वेश्चन लियाओ क्वेश्चन लियाओ तो भाई हमने शैशवावस्था को कंप्लीटली देख लिया इससे डिटेल में शैशवावस्था आई होप कि आपने नहीं पढ़ी होगी तो अब क्या करते हैं अब क्वेश्चंस करते हैं पहला क्वेश्चन देखिए देखिए जो इस पूरी वीडियो को देखेगा लास्ट तक कमेंट करेगा लाइक करेगा और व्हाट्सएप पर शेयर करेगा डाटा मेरे पास आ जाएगा उसका पूरा आ उन लोगों में से चार लोगों को अपनी ऐप के ऊपर वन मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मैं देने वाला हूं कल दिन में ठीक है तो इस पूरी वीडियो को देखना है और दोस्तों तक शेयर भी करना है चलिए शैश्वावस्था की विशेषता नहीं है कौन सी विशेषता नहीं है इस पे मैंने दोस्त हाईलाइट भी कर रखा है ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो शारीरिक विकास में तेजी मानसिक विकास में तेजी दूसरों पर निर्भरता नैतिकता का होना आपको सीधा पता है कि बच्चे के अंदर एक ही चीज नहीं है इस टाइम पर और वो क्या है वह नैतिकता तो बच्चे के अंदर नैतिकता का होना उसकी विशेषता नहीं है दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है दूसरे तरीके से पूछ लेगा सेम क्वेश्चन पहला है सीखने की ये प्रोसेस में तेजी बिल्कुल होगा जिज्ञासा की प्रवृत्ति चिंतन प्रक्रिया नहीं मिलेगी जीरो से दो साल का बच्चा इतना सोचता नहीं है तीसरा नवजात शिशु का पाउंड कितना हो कितने पाउंड वजन होता है नवजात शिशु का मतलब जीरो से चौदह दिन का बच्चा चौदह दिन के अंदर अंदर आंसर होगा सात पाउंड नवजात जो अभी अभी पैदा हुआ हो जिसे अभी-अभी नव मतलब कि नया जीवन मिला हो यार सेश्वा बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं आपको पता है कि इन्फेंसी के के अंदर बच्चों के जो काम होंगे वो उनके इमोशन के ऊपर बेस्ड होंगे और इमोशन की जो नेचुरल जो प्रदर्शित करना होता है इमोशंस को उनको बोला जाता है मूल प्रवृत्ति तो आंसर यहां पर आ जाएगा ए। है? अगला क्वेश्चन विकास शुरू होता है कहां से शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से लेटर चाइल्डहुड से प्रसव पूर्व अवस्था से यानी कि बिफोर बर्थ स्टेज से शैशवावस्था से इन्फेंसी से या प्री चाइल्डहुड से आप जल्दी जल्दी में शैशवावस्था लगा देते हैं लेकिन जैसा मैंने बताया बच्चे के पैदा होने से पहले भी एक अवस्था होती है जब आप अपनी माता के गर्भ में रहते हैं गर्भावस्था और जो तीन पार्ट में डिवाइडेड तो पूर्व अवस्था इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा बेसिकली आपको बताऊं तो शैशोक काल की अवधि पूछे आपसे पहली स्टेज की तो जीरो से दो साल कितनी हो जाएगी जीरो से दो साल कौन सी अवस्था बालक का निर्माण काल है अब निर्माण काल में आप कई बार बाल्यावस्था लगा दोगे लेकिन गलती बाल्यावस्था की नहीं करनी है आंसर आप यहां पर शैशवावस्था लगाओगे आंसर क्या लगाओगे शैशवावस्था ठीक है ये छोटी छोटी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन शैशवावस्था बालक का निर्माण काल है, है या नहीं है आप सोचेंगे यार कहीं बाल्यावस्था हो और आपका डॉक्टर जय कोल वाला दिमाग तो चलता ही है एग्जाम में खुद पर भरोसा ना करना और उसमें आप एक दो नंबर से मामला खराब कर देते लेकिन सैशु अवस्था बालक का निर्भर और दोस्त जो अभी दो तीन मिनट से वीडियो देख रहे हैं चार पांच मिनट से वीडियो देख रहे हैं और जिनको लग रहा है मजा आ रहा है भाई चश्मे वाली मास्टर में कुछ तो बात है तो शुरुआत से वीडियो देखना मजा आ जाएगा ठीक <laughs> है तो ये सैशुअवस्था के क्वेश्चन थे दोस्त अब बाल्यावस्था की बात करेंगे लेकिन बाल्यावस्था तक पहुंचने से पहले मैं बता दूं कि इस पूरी वीडियो का तीसरा हिस्सा खत्म हो गया है अब देख लो ये जितना कंटेंट था ये तीसरा हिस्सा था अब बाल्यावस्था को भी इतनी डीपली करेंगे और किशोरावस्था को भी इतनी डीपली करेंगे और हर एक अवस्था करने के बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन भी करेंगे ठीक है और ये तीनों टेट एग्जाम के लिए जरूरी है राजस्थान वालों कर लो आप भी तैयारी यूपी टेट वालो और सी टेट वालो तीनों के लिए तो समझ में आई आपको सारी चीजें अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा हाँ ये हो सकता है कि आपको मेरा चेहरा दिखकर लग रहा हो मुझे पीलिया हो गया है लेकिन मुझे पीलिया नहीं हुआ है ये लाइटिंग ऐसी है इतनी ज्यादा है कि आपको लग रहा होगा मुझे पीलिया हो गया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये चीज क्लियर दिखनी चाहिए बस मैं तो कैसा भी काम चला लूंगा मजा आ गया सर लाइव में मस्त कराते हैं आप थैंक यू सो मच 500 प्लस लाइव चलिए जी इतने दिन के बाद 500 प्लस लाइव देखे मैंने थैंक यू थाउजेंड तक पहुंचेंगे या नहीं मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं करते हो आप आजकल मैं बेशक पढ़ाने की आपकी एक्सपेक्टेशन को बीट कर दूं नए स्टूडेंट जुड़ने चाहिए भाई नए स्टूडेंट जुड़ो डेली आपकी से ऐसी क्लास लूंगा फिर मैं चलो बाल्यावस्था की तरफ बढ़ते हैं देखिए बाल्यावस्था में एक खास चीज ये है कि आप इसको गोल्डन एज बोलते हैं स्वर्णिम काल बोलते हैं जीवन का वह स्वर्णिम काल है जिसमें सर्वांगीण विकास होता है इससे पहली अवस्था में आपने देखा कि बच्चे का इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा जितना उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंकली स्पीकिंग लेकिन जो सेकेंड अवस्था होगी इन सेकेंड पीरियड इन चाइल्डहुड यू विल नोटिस स्पेसिफिक चेंजेस और ये चेंजेस ये होंगे कि बच्चा होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ अप्रोच करेगा यानी कि बच्चे के अंदर इस टाइम पर शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और उसका नैतिक विकास भी होगा यानी कि अब समाज उसे जज करना शुरू कर देगा जहां पर बच्चा दो साल से नीचे का पार्टी में जाके सुसु कर देता है उसको कोई कुछ नहीं कहता ना उसको कोई जज करता है सब सोचते हैं बच्चा था इट डोंट मैटर इट ड मैटर रियली लेकिन जैसे ही बच्चा बाल अवस्था में पहुंचेगा उसका पिटाई खाने का टाइम शुरू हो गया ऐसा करते हैं क्यों क्योंकि समाज उसे जज करना शुरू कर देता है समाज का हिस्सा बन गया होता है और बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था होती है दिस इज दर्सनैलिटी मेकिंग ऑफ ए चाइल्ड इफ इन द एग्जाम समबड़ी आस्क यू विच स्टेज इज रिलेटेड टू दर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड देन यू विल डेफिनेटली से इट इज चाइल्डहुड क्योंकि इस टाइम पर बच्चे अपने दृष्टिकोण का विकास करते हैं in this specific time period of childhood a child specifically form his point of view towards different situations different different ob objects and different rules of the world which he faces अपने एनवायरमेंट के अंदर की चीज़ें अपने एनवायरमेंट के अंदर के अंदर होने वाले चेंजेस और अपने एनवायरमेंट के अंदर रहने वाले लोगों के संपर्क में इस टाइम पर बच्चा आता है इसलिए बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है इफेक्ट होता है इससे पहले की अवस्था में सिर्फ शारीरिक विकास के ऊपर तेजी लेकिन इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट इफेक्टिव फिजिकल कोगनेटिव मानसिक शारीरिक मनोशारीरिक यानी कि भावात्मक इन तीनों का विकास इसके अंदर होता है ठीक है इस अवस्था के अंदर कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जो पहली अवस्था में नहीं थे जैसे कि अलग अलग आदतों का निर्माण कुछ ऐसे व्यवहार जो अभी तक देखने को नहीं मिले थे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है अब तक बच्चे के अंदर कोई रुचि नहीं थी जब तक वो दो साल का था लेकिन इस अवस्था में आने के बाद बच्चे इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं डिफरेंट चीजों में उनकी इच्छाएं जो है प्रकट होने लगती हैं वट आर देयर डिजायर्स वट आर देयर इमेजिनेशन एंड हाउ दे थिंक रियली नरिशेज इन डेवलपमेंट पीरियड ऑफ चाइल्ड हुड चाइल्ड हुड के इस काल में बहुत जो है, ये होती है। अब मैंने इतनी बढ़ाई कर दी है चाइल्ड हुड की तो आप सोच रहे होंगे कि यार कितनी अच्छी अवस्था है लेकिन बॉस एक चीज बताना चाहता हूं आपको नेक्स्ट स्टेज में पहले नाम बताने के बाद कि ये एक ऐसी स्टेज है जिसको समझना सबसे मुश्किल है यह सबसे टफेस्ट पीरियड है जिसमें आप बच्चे को समझ सकते हो क्यों आप देखेंगे यार चौथे साल में कुछ नेचर पांच में, में कुछ छठे में कुछ सातवें में कुछ आठवें में कुछ और बारह साल तक उसका नेचर चेंज होता रहता है यार तो आप बच्चे के किस नेचर को जज करेंगे जब आप देखते हैं कि यार इस बाल्यावस्था के टाइम पीरियड में यार हर साल में कुछ नेचर चेंज हो रहा है बच्चे का कैसे होता है वो देखेंगे उससे पहले इसके निक हम देख लेते हैं जितने भी न्यू स्टूडेंट है भाई सब्सक्राइब करो देखिए जी गोल्डन एज तो किशोरावस्था है लेकिन मैंने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट की गोल्डन एज हम इसको मान सकते हैं वैसे तो किशोरावस्था को गोल्डन एज बोलेंगे चलिए जी तलवार निकाले बैठे हैं स्टूडेंट लेकिन मुझे अच्छा लगा अब देखो अलग अलग नाम देखो बाल्यावस्था के देखिए बाल्यावस्था दो पार्ट में डिवाइडेड होती है ये ऐसे बेसिक चीजें तो आपको पता ही है पहली होती है दो से सात दूसरी है सात से बारह दो से सात वाली को प्री चाइल्डहुड और सात से बारह वाली को लिटर चाइल्डहुड उन दोनों को कंपेयर करने वाली आपको लाखों वीडियो मिलेंगी उससे कोई फायदा नहीं हो तो आपको बेसिक नॉलेज है इस पूरी वीडियो को देखो समझ जाओगे उसका अलग अलग नाम क्या है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था अनोखा काल निर्माण काल भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल ये निर्माण काल तो आपकी जो है पहली अवस्था होगी लेकिन भावी जीवन की सफलता एवं असफलता के निर्माण का काल अगर बोले तो बाल्यावस्था होगी प्रारंभिक विद्यालय की आयु स्कूल गोइंग एज उसके अलावा वैचारिक अवस्था, बच्चे के अंदर विचार नहीं होते शुरुआती अवस्था में जब बच्चे दो साल के होते तो इतना चिंतन नहीं करते हैं वो लेकिन चिंतन करने की अवस्था ये हो जाती है इसलिए वैचारिक अवस्था ओ माय गॉड सॉरी टोली दल समूह की आयु यानी कि ग्रुप या फिर गैंग एज जिसको बोल देते हैं खेल की आयु उसके अलावा प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल मूर्त चिंतन की अवस्था जीन प्याजे ने कहा कि ये थर्ड स्टेज है मेंटल डेवलपमेंट की तो इसलिए मूर्त चिंतन की अवस्था कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल क्योंकि तो आपको पता है कि देखो जीन प्याजे ने बताया था कि बच्चे का डेवलपमेंट जो मानसिक विकास होता है वो चार स्टेज में होता है तो जो अमूर्त चिंतन है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कोई चीज सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में सोच पाना वो डेवलप होता है चौथी स्टेज में लेकिन उसके बीज बोए जाते हैं तीसरी स्टेज में ही क्योंकि एकदम से कोई स्विच तो है नहीं कि बच्चे के माइंड के अंदर एक स्विच दबा दिया जिससे एकदम से चौथी स्टेज में जाने के बाद बच्चे के अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई नहीं वो धीरे धीरे डेवलप होती है उसके बीज पढ़ने शुरू हो जाते हैं यहीं पर कल्पना शक्ति और अमूरत चिंतन जो फोर्थ स्टेज होगी वो आई नहीं है बच्चे के अंदर लेकिन बाल्यावस्था में उसके बीज बो बो दिए जाते हैं पहले ही बाल्यावस्था के अंदर जो है काफी रैपिड जो है शारीरिक क्रियाशीलता आपको मिलेगी यानी कि बच्चे हाइपर एक्टिव मिलेंगे अगर आपसे पूछे कि हाइपर एक्टिविटी आपको कहाँ पर मिलेगी कौन से स्टेज में तीनों स्टेज को अगर कर कंपेयर करें तो बाल्यावस्था के अंदर सामाजिकता विकसित होने लगती है इससे बच्चा इससे बच्चा, इससे पहले किस स्टेज में बच्चा इमोरल होता है इससे पहले किस स्टेज में बच्चा समाज का एक पार्ट नहीं होता बस इस टाइम पर बच्चा रियल लाइफ में एंट्री मारता है वास्तविक जगत में उसकी एंट्री होती है इसीलिए सामाजिकता विकसित होने लगती है दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है क्योंकि वो स्कूल में जाता है पहले सिर्फ परिवार के बीच में रहता था अब वो पड़ोसियों के साथ भी जो है उसके कनेक्शन हो गए हैं पड़ोस के बच्चों के साथ भी तो उसके अंदर नए कौशल भी आते हैं नए स्किल भी आते हैं और बच्चे की बुद्धि भी काफी डेवलप करती है इस टाइम पर ठीक है तो ये इसके अलग अलग निक नेम थे देख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तेरा आप सोच रहे होंगे इलेबरेट तो किया नहीं भाई शांति रखो ये तो सिर्फ निक नेम थे ये सारी चीजें आगे आएंगी अब देखो जैसा मैंने कहा था कि आपने ये देखा कि बाल्यावस्था कितनी इंटरेस्टिंग स्टेज है कितनी जरूरी स्टेज है वास्तविक जगत में पहली बार रियलाइजेशन होता है इस स्टेज में कि हां भाई मैं इस धरती में हूं इसका बच्चे को पता लगता है लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है क्यों क्योंकि इस स्टेज में जैसे मैंने बताया अनोखे परिवर्तन होते हैं और अनोखे परिवर्तन क्यों हैं जैसे समझने की कोशिश करो आप खुद से सोच के बताओ जैसे कि मान लो छ छह साल का बच्चा है उसका नेचर काफी उग्र होता है उग्र का मतलब आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो और बेटा ठीक है तू नहीं ऐसे आंसर देना और बेटा खाना खाओगे नहीं ये उग्र व्यवहार है तो छह साल का बच्चा उग्र उग्र होता है उसका जवाब नहीं होगा हर एक चीज में लेकिन एक साल के बाद ही एक साल के बाद ही जैसे चमत्कार हो गया अब वो उदासीन होने लगता है जैसे गुस्सा करने के बाद आपका मूड होता है उदासीन अकेला रहना पसंद करता है फिर से चमत्कार होता है जब बच्चा अगले साल आठ साल का होता है तो अकेला रह रह के वो थक जाता है सात साल तक फिर उसके मन में आता है कि भाई आसपास के पड़ोस के बच्चों से मुझे बात करनी चाहिए तो अन्य बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने की जो भावना होती है आठ साल के बच्चे की वो प्रबल हो जाती है तो डिफरेंस देखो कितना हुआ जहां पर छह साल का बच्चा हर चीज का आंसर नौ में देता था वहां पर सात साल का बच्चा उग्र होने के बजाय उदासीन हो गया अकेला रहना पसंद किया लेकिन आठ साल का बच्चा दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर रहना शुरू कर दिया अगर मैं पूछूं बाल विकास की विशेषता क्या है तो आप अगर बोले बच्चा उग्र होता है तब आप बोलेंगे उग्र कैसे होता है वो तो सामाजिक संबंध सा स्थापित कर लेता है अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर क्या बच्चा हर एक चीज का उत्तर नहीं में देता है आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे तो आज्ञाकारी भी होते हैं लेकिन टाइम टाइम की बात है इतना डीप आपको नहीं बताया होगा किसी ने समझ रहे हो मेरी बातें अब तक तो आपको लग रहा होगा मजाक सीरियसली मैं आपको बता ये चीज समझे आप कि किस तरीके से कितना हो के अब देखो साल के बच्चे सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए टाइम पीरियड होगा विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता है शुरुआत में उसके अंदर होता है कि नया बस्ता ले आए मैं जाऊंगा स्कूल में जाऊंगा 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 जब वो स्कूल जाने की उसके जाती है लेकिन नौ से बारह के लिए उसके अंदर स्कूल का कोई आकर्षण नहीं रह जाता क्यों क्योंकि वह कोई निम्न कार्य ना कर ना करके कोई महान और रोमांचक कार्य करना पसंद करता है उसे लगता है यार डेली उठ के स्कूल जाओ डेली होमवर्क करो मजा नहीं आएगा लेकिन डेली खेलो खिलौनों को तोड़ो डेली क्रिएटिव काम करो उसमें उसको मजा आएगा क्योंकि बच्चे क्रिएटिविटी की तरफ भागते हैं वो काफी क्यूरियस होते हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने वाली एज में है जैसा मैंने शुरुआत में बोला लिखते राख रोजो मैं बोलूं तो जब कोई बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने वाली एज में होगा तो उस टाइम पर सी बात है वो एक डोमेस्टिक एनिमल की तरह बिहेव करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा उसे डेली के रबिश रिपीटेटिव काम पसंद नहीं आएंगे ही इज क्रिएटिव बाई नेचर

शुरुआती अवस्था में रैपिड डेवलपमेंट होता है लेकिन यहां पर स्टेबिलिटी आ जाती है क्या आ जाती है स्टेबिलिटी आ जाती है एक चीज याद रखना कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें डेवलपमेंट चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो वो पहली शैशवावस्था की तरह ही रैपिड बना रहता है लेकिन जैसे ही एंट्री होती है लेटर चाइल्डहुड में आठ साल के करीब में वहां पर जो फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट रैपिड यानी कि तेजी से हो रहा था उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर यानी कि वो अब धीरे धीरे होगा अब आप बोलेंगे सर फिर तो काम खराब हो गया नहीं काम कहां खराब हो गया क्योंकि इससे पहले की अवस्था में जो सैशवा थी और पूर्व बाल्यावस्था थी उसमें सामाजिक विकास हो रहा था नहीं हो रहा था तेजी से उसमें तो ना के बराबर था पहली अवस्था में पूर्व बाल्या बाल्यावस्था में यानी कि प्री चाइल्डहुड में थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ लेकिन जैसे ही लेटर चाइल्डहुड में आएगा उसका बेशक फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के अंदर स्टेबिलिटी आ गई लेकिन उसका जो इफेक्टिव डेवलपमेंट होगा वो चपेटे में आएगा आप समझ रहे हो मेरी बात अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं है ना तो अब दूसरी चीज यहां पर होगी बाल्यावस्था मैं आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर ये चीजें रटवाने के लिए नहीं आया ये सारी चीजें बोलकर आपको लिखवा कर मैं सोचने के लिए मजबूर करने आया हूं तो शुरुआत के पहली स्टेज में और दूसरी स्टेज के पहले पार्ट में मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट आर रैपिड बट इन लेटर चाइल्डहुड यू विल यू विल फाइंड आउट ए स्टेबिलिटी इन देम बट इफेक्टिव डेवलपमेंट इज रैपिड इन इट देखिए पहली जो विशेषता साफ निकल कर आई जैसे सात वर्ष की आयु के बाद बच्चे की शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती जैसे एक्सप्लेन किया और एक मनोवैज्ञानिक भी थे रोस उसने कहा कि जो शुरुआती अवस्था रहेगी पहले के पांच साल साल यानी कि बाल्या पूर्व बाल्यावस्था और शैश्वावस्था इन दोनों को मिला दिया जाए तो जीरो से दो और दो से सात यानी कि जीरो से सात साल के बीच में बाल्यावस्था को आप मिथ्या परिपक्वता का काल भी बोलते शिवडो मेच्योरिटी बच्चा यह सोचेगा कि मैं जवान हो चुका हूं लेकिन ऐसा होता है क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण तो याद रखना आपसे पूछा जाएगा शारीरिक और मानसिक स्थिरता डैश की सबसे नब्बे परसेंट बालक किशोरावस्था लिखते गलत होता है

शैशवावस्था में लेकिन बाल्यावस्था में एक्चुअल उसके अंदर मानसिक विकास होता है तगड़े तरीके से क्योंकि निरंतर वृद्धि होती है लगातार तीन साल से लेकर बारह साल तक धमाकेदार बच्चे के अंदर जो है मेंटल डेवलपमेंट होता है कैसे क्योंकि उसकी फीलिंग और प्रत्यक्षीकरण की शक्ति आ जाती है प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या कोई चीज सामने है उसके बारे में सोच पाना प्रत्यक्षीकरण उसके अंदर वृद्धि हो जाती है यानी कि सैशवावस्था यानी कि दो साल के बच्चे के सामने कोई चीज है तो उसको देख कर इतना नहीं सोचेगा लेकिन जितना एक बालक बालक इतना एक शैशव नहीं सोच पाएगा जितना एक बालक सोच पाएगा किसी चीज को देख कर पूछेगा ये क्या है इससे क्या होता है ठीक है मैं हैप्पी नहीं हूँ भाई आज मैं पूरी एनर्जी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और लेकिन स्टूडेंट आज भी क्या है पांच के करीब है गंदी बात क्योंकि मैंने देखा भाई जहां पर पांच हजार होते हैं वो भी ऐसे नहीं पढ़ाते अब आप इसको बड़ा मान लो या कुछ भी मान लो मैं इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता हूं <laughs> आगे देखिए वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है आपने देखा कि वैचारिक क्रिया बिल्कुल नहीं होती पहली अवस्था में लेकिन यहां पर वो अलग अलग बातों के बारे में तर्क भी करेगा और विचार भी करेगा वो साधारण बातों पर अधिक देर तक अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है याद रखना आपसे पूछा जाएगा टेट हो यूपी टेट हो रीट हो सीटेट हो आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा किसी भी बात के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना कब शुरू करता है तो याद रखना ज्यादा देर तक कंसंट्रेट करना इसी एज में शुरू होता है और पहले के एक्सपीरियंस को याद करना यानी कि दो दिन पहले क्या हुआ था अगर आप किसी बच्चे से आप मान लो किसी बच्चे की पिटाई होगी तो दो साल से छोटा है तो तीन दिन के बाद याद नहीं रहेगा तीन दिन पहले मेरी पिटाई या छिताई हुई थी लेकिन पांच साल के बच्चे को आप उसकी पांच साल के बच्चे की पिटाई छिताई कर दो दो तीन दिन बच्चा मुंह फुलाई रखता है आपके आसपास नहीं आता डरता रहता है अलग अलग रिएक्शन देता है आपको क्यों क्योंकि उसे पहले के अनुभव याद हैं, कि उसके साथ क्या दुर्घटना हुई है तो पहले के अनुभव याद रख सकता है ये एग्जाम्पल देना जरूरी था जिससे आप समझ जाए सारी चीजों को आगे देखिए जिज्ञासा की प्रबलता यानी कि क्यूरियस होता है बच्चा इस टाइम के अंदर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी भर भर के आपको मिलेगी क्योंकि इस टाइम पर बच्चे की क्यूरियोसिटी प्रबल होती है बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बच्चा जिस चीज के भी संपर्क में आएगा नहीं किसी भी चीज को देखेगा उसके बारे में प्रश्न पूछना चाहता है क्योंकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की सोचता है इस एज में ठीक है और इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करेगा मान लो आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए आपको मैं कोई ऐसी चीज दिखाऊं जो आपने देखी ना हो तो आपका नेचुरल रिएक्शन क्या होगा आप मुझसे पूछोगे सर ये है क्या तो ऐसे ही बच्चा जब अपना होश संभालता है वह तो वो वाली स्टेज है तब उसको चीजों के बारे में पता नहीं होता तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है अब इंफॉर्मेशन ऐसा तो है नहीं कि वो बैठे या गूगल खोल ले गूगल तो वो खोल नहीं सकता तो प्रश्न पूछेगा आपको अगर चाहिए जानकारी तो आप गूगल खोल लोगे लेकिन उस टाइम पर बच्चा गूगल थोड़ी खोलेगा आजकल का बच्चा तो गूगल खोल भी ले तीन साल का लेकिन तो पहले नहीं खोल सकता तो याद रखना कि जिन चीजों के भी उस सम्पर्क में आएगा उसको वो चीज़ अट्रैक्ट करेंगी इसलिए उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहेगा और याद रखना कि उसके जो क्वेश्चन होंगे वो दो साल के बच्चों से अलग क्वेश्चन होंगे जैसे कि वह पूछेगा कि ये चीज़ क्या है ये चीज ऐसे क्यों है यह ऐसे कैसे हुआ ये तीन चीज आप देखेंगे बच्चों के क्वेश्चन होंगे आपने तीन क्वेश्चन तीन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन भी देखे होंगे कि किस स्टेज में कोई पूछता है वह चीज़ क्या है यह ऐसे क्यों है यह ऐसे कैसे हुआ यह बाल्यावस्था की विशेषता है और ऐसे क्वेश्चन आने का रीजन क्या है क्योंकि बच्चा अननोन है अभी वर्ल्ड से उसके एनवायरमेंट से तो एनवायरमेंट में जो भी चीज़ देखता है उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है और जानकारी तभी मिलेगी जब वो क्वेश्चन पूछेगा ऐसा तो मैसेज करके पूछे, <laughs> डायरेक्ट पूछेगा ये क्या है? जैसा मैंने बताया कि बच्चे अब तक शैशवावस्था में वास्तविक जगत में नहीं थे लेकिन शैशवावस्था के काल्पनिक जगत की परीक्षा करने करके वास्तविक जगत में प्रवेश इसी स्टेज में बच्चा यानी कि एक मनोवैज्ञानिक थे स्ट्रेंथ उसने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है पहले तो उसे लगता है कि मेरी मम्मी के आंचल से बाहर तो कुछ भी नहीं है लेकिन जब उसका होश संभलता है स्टेज में तब उसे लगता है कि ये संसार कितना बड़ा है उसके बारे में जल्दी से जल्दी वो जानकारी प्राप्त करना चाहता अगर आप अपने आप को डेंजर में पाओ थोड़ा सा कंफ्यूज्ड पाओ तो आप क्या करेंगे ऑब्वियसली बात है आप जानकारी लेना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे ऐसे बच्चे के साथ होता है अब तक बच्चा क्या था अब तक काल्पनिक लोक में था लेकिन अब बच्चा जो है वास्तविक जगत में आ गया है और वास्तविक जगत में आते ही उसके सामने ऐसी चीजें हैं यार जिसके बारे में उसको पता ही नहीं था ये क्या है वो क्या है ये गाड़ी चल रही है तो ऐसे गाड़ी क्यों चलती है ये पहिया को क्यों घूम रहा है मैं टीवी में चित्र क्यों देख रहा हूँ ये ये क्या चीज है ये सारी चीजें बच्चे को डरा देती है कंफ्यूज कर देती है वो तो ज्यादा ज्यादा से से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी जानकारी चाहिए वास्तविक जगत से रूबरू हो गया है इससे पहले वो काल्पनिक जगत में था वट वाई हु ये तीन प्रश्न उसके दिमाग में आ जाते हैं आगे रचनात्मक कार्यो में रुचि लेने लगता है जैसे मैंने बताया कि बालक को रचनात्मक कार्यों में बहुत ज्यादा मजा आता है वो घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है जैसे बगीचे में काम करना इसके विपरीत लड़की घर में ही कोई ना कोई कार्य करना चाहती है चाहे करना, करना। तो लड़का हो चाहे लड़के अलग तरीके की तरीके की क्रिएटिविटी दिखाते हैं और लड़कियां अलग तरीके की हाँ जी अच्छा नहीं लग रहा है सर जी आज कुछ मिसिंग है आई डोंट अंडरस्टैंड वट नोट बट नॉट बी नॉट सो इंटरेस्टिंग क्लास शिखा मिश्रा जी नो बडी कैन डी नो बडी सच बताऊ तुम्हें तो आपने जो ये मैसेज लिखा है ना आपके मैसेज की तरह अगर 500 सौ मैसेज चार बच्चे भी ऐसे लिख देंगे कि आप घटिया पढ़ा रहे हो मैं मजा नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है एनर्जी नहीं है वीडियो में तो मैं इस बात को मान ही नहीं सकता बिकॉज मुझे पता है ना मैं अपने लिए अगर ऑनेस्ट हूं और जो काम मेरे दिल में है वो मैं करने आया हूं और मैंने वो काम किया है और लोगों को अगर वो चीज ना दिखे तो भाड़ में जाएं ऐसे लोग मुझे कोई लेना देना नहीं अपनी तरफ से मैं पूरा हंड्रेड परसेंट डालता हूं चलिए जी ओके तो रचनात्मक कार्यों में बच्चा क्या करता है आनंद लेता है आगे देखिए सामाजिक गुणों का विकास अब देखिए सामाजिक गुण अब तक बच्चे के अंदर थे ही नहीं जो पहली अवस्था थी उसके अंदर आपने कोई सामाजिक गुण देखा था बिल्कुल नहीं देखा था लेकिन बालक विद्यालय के छात्रों क्योंकि स्कूल के अंदर एंट्री ले चुका है तो उसके अंदर उसके जितने भी दोस्त हैं और जो उसका ग्रुप है उसके सदस्यों के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है इससे पहले बच्चे का सामाजिक दायरा कितना था पहली अवस्था जीरो से दो साल का बच्चा सिर्फ घर में पड़ा रहता है अपने माँ बाप के साथ कोई पड़ोसी आ गया रिश्तेदार आ गया कभी कभी तो वो बात दूसरी है लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में उसने एंट्री मारी तो पड़ोस के संपर्क में आ गया स्कूल में जाने लग गया तो उसके सदस्य जो होते हैं ग्रुप के उनके साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ वो काफी घुलता मिलता टाइम स्पेंड करता स्कूल में उसका जाता तो उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है क्योंकि ग्रुप के अंदर रहता है तो सहयोग करना सहनशीलता और अपने टीचर का आज्ञाकारी होना जो आजकल है दिखना तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर जो है आती हैं तो इससे पहले आपने पहली अवस्था में क्या आज्ञाकारी बच्चा देखा है नहीं सहनशील बच्चा देखा है नहीं क्या आपने सहयोग करता हुआ बच्चा देखा है नहीं तो ये सारी चीजें कब आती हैं जब बच्चा बाल के अंदर आता है क्योंकि सामाजिक गुणों का विकास इसके अंदर होता है ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं आगे देखिए नैतिक गुणों का विकास देखिए नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास इस अवस्था में आपको देखने को तो मिलेगा क्योंकि छह सात और आठ वर्ष के बालकों में अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है कि क्या चीज ठीक है क्या नहीं है जो बिहेवियर वो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है जैसे कि मान लो एक दो साल का बच्चा जैसे मैंने बताया पार्टी में जाके सुसु कर दे तो उसे नहीं लगेगा मैंने कुछ गलत किया लेकिन सात साल का बच्चा अगर पार्टी में जाके सुसु कर देखिए तो खुद लगेगा यार क्या हो गया बेजती होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि छे सात और आठ साल का बच्चा अच्छे बुरे का ज्ञान उसे होने लगता है और अगर किसी बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाए तो आप समझ लेना उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास हो गया और ये नैतिक गुणों का विकास आपको पहली स्टेज में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि छे सात और आठ वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है ये किसने का स्ट्रेंगने का किस एज में हो जाता है छे सात आठ कितना भी डीप आपसे पूछ ले यू कैन आंसर चलिए आगे अब अगली चीज है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास आपने देखा होगा अब आप, आप मुझे एक चीज ये बताओ सोचने समझने की बात है आप सोच के देखो मैं आपको रटने के लिए लिखने के लिए नहीं कर रहा बस आप सोचना मेरे कहने से आपको आंसर मिल जाए कि आपने देखा कि बच्चा वास्तविक जगत में एंट्री ले गया इस एज में ओके नई नई चीजों की जानकारी लेना चाहता है क्योंकि जिस चीज को देखता है उसी का नहीं पता बच्चे को क्योंकि अभी अभी वास्तविक जगत में उसने एंट्री मारी है उसको पता ही नहीं क्या क्या चीज क्या होती है क्यों होती है तो ऐसे में वो क्वेश्चन किन से पूछेगा आसपास के लोगों से पूछेगा अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहेगा क्यों क्योंकि क्यूरियोसिटी इस स्टेज की पहचान है तो क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए वो अलग अलग लोगों के पास जाएगा अलग अलग लोगों से क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेगा हजार बार क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे में उसे अपना व्यक्तित्व बहिर्मुखी करना पड़ता है एक्सट्रोवर्ट करना पड़ता है इसके पीछे रीजन क्या है आप समझ गए होंगे। खुद सोच के देख लो कि जब बच्चा इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है वास्तविक जगत में उसने एंट्री ली है मानसिक शक्तियां उसके अंदर बहुत हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करनी नहीं आ रही ओके अब तक नैतिकता का पता नहीं था समाज उसे जज करने लगा है तो अपनी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को शांत करने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके के हजारों क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना कि बच्चे का जो बिहेवियर होगा वो उसको बहिर्मुखी बना देगा एक्सट्रोवर्ट बना देगा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है जुम्मे ने बताया कि जो अपने अंदर डुबकी मार के जिसको संतुष्टि मिलती है जिसे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना बहिर्मुखी जो दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आके जिसे बाहरी दुनिया में मजा

कलेक्टिंग एज होती है इस एज में बालक आपने देखा होगा चाहे लड़का हो चाहे लड़की कलेक्ट करने की एज इसके अंदर होती है आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के कार्ड इकट्ठे करते हैं अलग अलग तरीके के कंचे इकट्ठे करते हैं तो जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर कांच की गोलियां मशीन के भाग और पत्थर के टुकड़े कलेक्ट करते हैं और वैसे अगर लड़कियों की बात करूं तो अलग अलग चित्र गुड़िया कपड़ों के टुकड़े इन सब के कलेक्शन करते हैं तो लड़के हो या लड़की कोई बात नहीं दोनों के दोनों यहां पर जो है कलेक्टिंग जो है टेंडेंसी पाई जाती है प्रवृत्ति का मतलब होता है टेंडेंसी ठीक है कलेक्टिंग कलेक्टिंग टेंडेंसी या टेंडेंसी टू कलेक्ट आगे सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता इससे पहले बच्चा क्या होता है शैशवावस्था में शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चा समाज का पार्ट नहीं होता ठीक है क्योंकि घर घर में रहता है वो लेकिन अब उसका ग्रुप भी बन चुका है स्कूल में भी वो जाता है उसके पड़ोस के भी दोस्त हो गए भी पढ़ता होगा तो बालक में सामूहिक प्रवृत्ति भी इस टाइम पर प्रबल होने लगेगी ठीक है वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ जो है स्पेंड करना चाहेगा तो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता इसके अंदर होती है और जो अभी जुड़े हैं दस मिनट पहले स्टूडेंट उनको बता दूं कि पूरी वीडियो जो देखेगा लाइक करेगा शेयर करेगा चार स्टूडेंट्स को कल मैं अपनी बैक टू स्कूल की ऐप में फ्री सब्सक्रिप्शन देने वाला हूँ रेंडमली तो आप भी हो सकते हैं ये काम जरूर कीजिएगा मेरे पास डाटा आ जाएगा कहीं आप सिर्फ कमेंट करके सोचें शेयर करूंगा नहीं गुरु जी को क्या पता लगेगा मैं वाला सब देख ठीक है तो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता <laughs> समूह में रहना पसंद करता है इस एज में ये एक और विशेषता हुई ठीक है अब एक मनोविज्ञानिक थे रोस उसने साफ साफ कहा है कि बालक प्राय किसी ना किसी समूह का सदस्य इस एज में हो जाता है जो समूह क्या क्या काम करते हैं साथ खेलते हैं नियमित रूप से इकट्ठे होते हैं ठीक है और जो वो काम करते हैं उनकी उनके बारे में वो अपने बड़ों से कोई बात नहीं करते तो रोस के अनुसार भी ये बात साफ आती है कि ग्रुप फॉर्मेशन शुरू हो जाए लेकिन जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है वो तो इस एज में आ जाता है इससे पहले दो साल के बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता यानी कि उनके अंदर कोई भी रुचि नहीं होती किसी चीज को वो पसंद नहीं करते कि आपको क्या पसंद है बेटा दो साल का बच्चा ऐसे करने लग जाएगा क्या बोलूँ लेकिन आप पाँच सात साल के बच्चों को बेटा क्या पसंद है तो बोलेगा मुझे ये पसंद है मुझे वो पसंद है मुझे ये करना पसंद है मुझे वो करना पसंद है भाई ऑब्वियसली बात है दो साल क्वेश्चन क्या बोल मम्मी की तरफ देखने लग जाएगा हंसने लग जाएगा क्योंकि बच्चों के अंदर रुचियाँ नहीं आती था लेकिन रुचियां आने लगती है बाल्यावस्था में लेकिन यहां पर भी एक कैच है कि जो रुचियां आएंगी ना इस टाइम पर वो ऐसा होगा गंगा गए गंगाराम जमुना गए जमुना दास यानी जो चीज आज नहीं दिखी उसी का शौक चढ़ गया चार दिन मौसमी पहलवान होते हैं इस टाइम पर यानी कि चेंज होती रहती है रुचियां निरंतर चेंज आज टेबल टेनिस खेलना पसंद है पापा से जिद करके टेबल टेनिस का रैकेट मंगा लिया दस दिन खेला ग्यारहवें दिन दोस्तों को क्रिकेट खेलता देखा पापा को डंडा किया कि मुझे बैठ चाहिए पापा ने बोला चल ठीक है बैट दिला दिया फिर कुछ नहीं दिखाऊ दिलाऊंगा फिर दस दिन बाद देखा दूसरे दोस्त बन गए और वो वहां पर बैडमिंटन खेलते हैं फिर मम्मी के पास जाते हैं मम्मी मेरे को बैडमिंटन दिलवाओ पापा से मेरे को नहीं पता तो ये क्यों होता है क्योंकि तो रुचियों में परिवर्तन आता है लेकिन इसके बाद जब आप जो है किशोरावस्था के अंदर जाएंगे आपकी रुचियाँ फिक्स हो जाएंगी आपकी आदतें आपकी पहचान बनकर सामने आ जाती हैं उस टाइम पर समझ गए हो पोल और ब्रूस ने भी इस बात को कहा कि जो रुचियां होंगी वो आना तो शुरू इसी स्टेज में हो जाती है लेकिन ये नहीं कि वो परमानेंट होंगी वो अलग होगी चेंज होते रहेंगे टाइम टाइम पर रुचियों में परिवर्तन निरंतर होगा अस्थायी रूप होगा रुचियों का स्थायी रूप धारण नहीं करेंगी पोल और ब्रूस ने कहा कि छह से बारह वर्ष की अवधि एक अपूर्व विशेषता के रूप में अगर हम देखें तो मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन चलिए समझ में आया आपको सर आप प्लीज रोज ऐसे ही पढ़ाया करो स्टूडेंट तो बोल रहे हैं घटिया पढ़ा रहे हो समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा सीरियसली लेकिन आज आपने मेरी उम्मीदों को तोड़ा नहीं हजार स्टूडेंट हम पहुंचे नहीं लेकिन ईमानदारी से अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कह दो कि जिस तरीके से पूरी क्लास चली है आपको लगता नहीं कि यार हजार स्टूडेंट नहीं है यूट्यूब एल्गोरिदम देख लो हमें भी 2021 आ गया बाल्यावस्था के अंदर अब अलग अलग विकास के क्षेत्रों की बात करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे कि बाल जो है बाल्यावस्था के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं लेकिन यहाँ पर आप नहीं समझे अब मैं बाल्यावस्था और शारीरिक विकास की बात करू अभी जो एवरेज टाइमिंग है ना वो है पांच मिनट उनतीस सेकेंड मुझे एक एक इन्फो मिल जाती है कि कितनी देर तक स्टूडेंट देख रहे हैं तो पूरी वीडियो तो किसी ने नहीं देखी है तो आपके सेलेक्ट होने के चांस पूरे होंगे अगर आप पूरी वीडियो देख गए तो ये मैं पहले बता देता हूं क्योंकि एवरेज वॉच टाइम है पांच मिनट अड़तालीस सेकेंड पूरी वीडियो देखो कोई भी नहीं मिलेगा ऐसा मुझे पता है जो ऐसा करे लेकिन कोई बात नहीं जो हमारे या उनके सीधी सी बात है सब्सक्रिप्शन दूंगा कल शारीरिक विकास देखते हैं कैसा होता है बाल्यवस्था में देखिए देखिए अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो लड़कियां क्लैपिंग क्रॉप ने लिए क्योंकि आप इस अवस्था में लड़कों से आगे होती हैं क्योंकि इस अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है उनका हाइट और वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है वो लड़कों से लंबी भी होती है और वजन में भारी भी होती है तो अगर आपसे कहें कि कौन सी ऐसी एज होती है जिसमें सेम एज में लड़कियां लड़कों को पीट सकती हैं वैसे तो किसी भी एज में लड़की खतरनाक है तो लेकिन वैसे किसी भी लड़के की हवा निकाल सकती है तो वो होता है बाल्यावस्था में ठीक है बाल्यावस्था में आप लड़के हो जरूर पिटे हो किसी किसी लड़की से मैं तो खैर पिटा नहीं लड़की का मतलब घर परिवार में बहन बहन जो भी है एक्स वाई आज तक की सबसे बड़ी क्लास है, है। थैंक यू सो मच रिंकू भाई थैंक यू तो समझ में आ गया ना कि फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहां पर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट स्टेबल होगा आपने अगर ये लाइन लिख ली होगी तो याद होगा आपको भूल भूलना नहीं है जो, जो मैं पढ़ाता हुआ चलू तो यहां पर लड़कियां आगे होंगी दूसरा है कि बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की कठोरता में वृद्धि होती है यानी कि बालक की जो हड्डियां होती है वो होती है कोमल और कच्ची शैशवावस्था में लेकिन बाल्यावस्था में अगर हड्डियों की बात करें तो हड्डियों के अंदर कठोरता आ जाती है ठीक है और कुछ हड्डियों की संख्या में वृद्धि भी होती है पहले हड्डियां कम अब हड्डियों की संख्या में और हड्डियों और बच्चों की हड्डियों के अंदर जो लचीलापन होगा वो कम होने लगेगा और उनके अंदर कड़ापन आने लगेगा आपसे पूछें कि कौन सी अवस्था में बालक की हड्डियों का लचीलापन कम होने लगता है और उनमें कड़ापन आने तो आंसर आप देंगे बाल्यावस्था चलिए आगे देखिए सिर के आकार में धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगता है आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पूरी बॉडी को अगर आप देखें तो पूरी बॉडी के लगभग आधे से थोड़ा कम सिर होता है यानी कि बच्चे का सिर भारी होगा और बाकी के तो छोटे छोटे होंगे बच्चे के हाथों से ज्यादा लंबा चौड़ा उसका सिर होगा लेकिन यहाँ पर रेशियो चेंज होने लगता है बाल्यावस्था यहाँ पर बच्चे के सिर और बॉडी के बीच का जो रेशो है जो आकार है वो चेंज होने लगता है और 10 साल तक पहुंचते पहुंचते बालक के जो मस्तिष्क का भार होता है वो पूरे शरीर का एक बटे दस हो जाता है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है वो चाहे राजस्थान टेट हो रीट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो एजुकेशन साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान ये क्वेश्चन आता है कि शारीरिक विकास के क्षेत्र में कितने वर्ष में कौन सी अवस्था में दोनों में से कुछ भी पूछ लेगा मस्तिष्क का भार पूरे शरीर का एक बटे दस हो जाए वो होगा बाल्यावस्था में क्योंकि शरीर के आकार के और मस्तिष्क जो आपके सिर है उसके आकार के बीच का जो डिफरेंस है वो लगता है एक है वो क्या करने लगता है वो घटने लगता है और बाल्यावस्था में आकार और भार की दृष्टि से मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है किंतु तो क्रियाशीलता बढ़ती रहती है तथा तो परिपक्वता बाद में आती है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि बाइक के अंदर इंजन तो लग चुका है लेकिन बाइक के अंदर इतनी पावर नहीं है कि उस इंजन का पूरा इस्तेमाल कर सके जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल देता हूं आपके मोबाइल के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है ना उसके अंदर लेंस इतना तगड़ा है कि वो डी को टक्कर दे सकता है लेकिन आपके फोन के अंदर की जो मशीनरी है वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि उस कैमरे का वैसा यूज कर पाए समझे आप मेरी बात जो बच्चा समझ गया वो समझ गया होगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूं मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि वो हनुमान जी की तरह होता है शक्तियां तो अंदर है लेकिन उसे पता नहीं होता अपनी शक्ति समझ में आई बात तो जब हनुमान जी को कैसे रियलाइज हुआ था जब उन्होंने अलग अलग काम किए ऐसे ही बच्चे को जब शिक्षा दी जाती है तो बच्चे को खुद काम करने के लिए ताकि अपने अंदर की शक्ति को जगा सके इसलिए दोस्त याद रखना कि बाल्यावस्था के अंदर जो मस्तिष्क है उसका विकास तो पूरा हो जाता है लेकिन जो मेंटल का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसकी स्टेज तीसरी होती है चौथी स्टेज किशोरावस्था में आती है जीन प्याजे ने भी बताया पर सिर्फ बच्चा चिंतन कर अमूर्त चिंतन के बीच तो बोए जाते हैं इस अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती तो मस्तिष्क का पूरा विकास तो हो जाएगा लेकिन फुल पावर से वो तो रन नहीं कर पाएगा अभी क्योंकि उसका डेवलपमेंट होना अभी बाकी है चलिए आगे लगभग छह वर्ष की आयु पर बालक के अस्थाई दांत गिरने लगते हैं दूध के दांत गिरने लगते हैं और वहाँ पर स्थाई दांत आने लगते हैं आपके घर पे फोटो भी होगा जब आपके दूध के दांत गिरे होंगे ऐसे में क्लिक करा के घर वाले रख ले और 12 से 13 वर्ष की आयु तक के बालक के सभी 28 दांत निकल जाते हैं और बाल बालिकाओं के स्थाई दांत बालकों की अपेक्षा कुछ जल्दी निकलते हैं क्या बात है लड़कियों यहाँ पर भी आप बाजी मार गए भाई सीधी सी बात है यानी कि लड़कियों के जो अस्थाई दांत होते हैं वो बालकों की अपेक्षा कुछ जल्दी निकलते हैं अब 615 स्टूडेंट लाइव हो गए हैं इसका मतलब कि बहुत 620 इसका मतलब ये कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अभी देखना शुरू किया भाई एक घंटे पहले से वीडियो शुरू की इस पूरी वीडियो को देख लेना पूरा बाल विकास मैंने इसमें करवाया है चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं और यहां पर अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट को कंक्लूड करूं तो ये समझे कि बच्चे के अंदर जो मांसपेशिया होती है उसका विकास भी धीरे धीरे होने लगता है बाल्यावस्था में और उसके अंदर दृढ़ता आने लगती है और बालक अपनी बॉडी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण भी स्टेज में क्या कर लेता है अब आपको याद है ना जब पहली स्टेज आई थी तो मैंने ईयर वाइज बताया था कि कौन कौन सी शक्तियां कौन कौन से ईयर में बच्चे ने हासिल की तो हम कितने ईयर कर चुके थे कि पहले ईयर में क्या हुआ दूसरे ईयर में क्या हुआ तो अब हम कौन सी ईयर से कौन सी ईयर में चलेंगे तीन साल से लेकर बारह साल तक हर ईयर वाइज वो भी चीज हमने देखी थी तो उसी चीज को फिर से देखते हैं चलो अब देखो तीसरे वर्ष में क्या होगा इंटरेस्टिंग चीज है जब बच्चा तीन साल का होगा जब बच्चा तीन साल का होगा तो इस एज में बच्चा बालक पूछने पर अपना नाम बता देता है दो साल का बच्चा अपना नाम नहीं बता पाएगा लेकिन तीन साल का बच्चा अपना पूछने पर नाम बता देगा हाथ लगाकर शरीर के अंगों को बताना कि यह हाथ है ये नाक है ये कान है अब बोलते हो यह क्या है वो बोलेगा नोज तो मतलब वो तीन साल का है <laughs> तीसरे वर्ष के अंत तक कुछ बड़े वाक्यों की रचना करना वस्तुओं को अपनी जगह पर रखना यह छोटे मोटे काम करने लगेगा लेकिन जैसे ही एक साल बढ़ेगा चौथे एज में चौथे वर्ष में आएगा तो चौथे साल में बच्चे छोटे बड़ों में अंतर करना चित्रों के बारे में पूछना गिनती याद करना अक्षर लिखना वस्तुओं को क्रम में रखना सीक्वेंस में रखना सीख जाता है पांच वर्ष का बच्चा पांच वर्ष का बच्चा ज्ञानेंद्रियों का विकास तेजी से करेगा अपना पांच साल के बच्चे के अंदर उसकी सेंसेस का तेजी से विकास होता है तभी उसको समझा जाता है कि यह स्कूल में जाने के लिए अब तैयार हो चुका है रंगों को पहचानने लगता है पंद्रह बीस तक गिनती याद कर लेता है सही वाक्य बोलने लगता है आपके ऑर्डर का पालन करने लगता है तथा तो माता पिता के कार्यों में हेल्प भी करने लगता है आपसे पूछेगा माँ बाप के कार्यों में हेल्प कब करने लगता है पांच साल में पंद्रह बीस तक गिनती पांच साल में रंगों को पहचानना पांच साल में ज्ञानेन्द्रियों का तेज विकास पांच साल में छोटे बड़े में अंतर करना चार साल में चित्रों के बारे में बताना चार साल में गिनती याद करना हल्की फुल्की चार पांच तक छह सात तक चौथी साल में अक्षर लिखना कैक है गए एबीसी चौथे साल में वस्तुओं के क्रम में रखना चार साल में आज तो आजकल तो पैदा होती दे देते हैं हाथ में पेन लिख बेटा लेकिन ये नेचुरली पूरे सेंसिस को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं मैं नो स्पेसिफिकली किसी एक को टारगेट करते हुए तो तीसरे वर्ष में जैसे कि पूछने पर नाम बताना अपने अंकों का नाम बताना कुछ बड़े वाक्यों की रचना करना अलग अलग चीजों को उनकी सही जगह पर रखना तो ये सारी चीजें तीन वर्ष में तो पांच वर्ष तक हम पहुंच गए हैं तीन चार पांच क्लैरिटी आपके माइंड में बन गई होगी ठीक है तो अब छठे साल में क्या होता है देखिए छह साल की उम्र में उसकी मानसिक शक्तियां हैं वो पर्याप्त विकसित हो चुकी होती है इसीलिए उसको स्कूल में डाल दिया जाता है वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है कि आपने खाना खाया हां क्यों खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी ये एक सार्थक उत्तर हो इससे छह साल से पहले अब अगर आप बच्चों से पूछो बेटा खाना खा लिया हाँ वो क्यों खाना खाया

और वो भाषा का प्रयोग करना ठीक तरीके से जो है सीख लेता है यानी कि उसके मन के अंदर कुछ भी चीज आया तो अपने थॉट्स को बाहरी दुनिया के सामने एक्सप्रेस करना इस एज में बच्चों को बिल्कुल ईजी होता है इतना मुश्किल नहीं लगता अब अगले साल सात साल में वो क्या करेगा जैसे छोटी छोटी कक्षाओं का वर्णन करने लगता है जटिल और सामान्य वाक्यों का विश्लेषण करने लगता है यानी आप सात साल के बच्चों को ये बोलोगे तू वहां गई थी तो बोलेगा लड़का हूं मैं <laughs> समझ में बोलेगा गई थी का क्या मतलब है गया था वो लोग लेकिन आप अगर ध्यान दें तो ये क्यों हुआ क्योंकि वो जो वाक्य सुनता है उसमें कमियों का विश्लेषण भी कर सकता है तो जैसा मैंने यहां पर बोला कि सामान्य वाक्यों का विश्लेषण करने लगता है तो सामान्य वाक्यों का विश्लेषण करने का मतलब क्या हुआ जैसे कि आप बोलो कि नहाली तुम तो बोलेगा नहा लिए तुम बोलो यार, लड़का हूं मैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सामान्य वाक्यों का विश्लेषण करने लगता है चलिए अब अगले ईयर के अंदर एंट्री मारते हैं आठ साल में तो आठ वर्ष का होने पर सोलह शब्दों वाले वाक्य को बोल लेता है छोटी छोटी कहानियां तथा तो कविताओं को अच्छी प्रकार से दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है छोटी छोटी कहानियां याद करना उनको दोहरा लेना लेकिन वो छोटी होनी चाहिए लगभग पंद्रह सोलह वर्ड की ठीक है जैसे कि अब आप, आपने सुना होगा ना अरे छोटी छोटी कविता में भूल गया है यार वो बच्चों वाली अरे में तो ये तक्ति पे थकती पिथखती पे जाना कल की छुट्टी परसों आना मस्त <laughs> और आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो गया है इंग्लिश इंग्लिश में तो छोटे छोटे जो ये याद करने की चीजें होती वो आठ साल का बच्चा कर रहा छोटी छोटी कहानियाँ कविताओं को ओके okay. जो मैंने सुना है वो हमारा फेवरेट भी था अब नौ वर्ष में क्या करता है अब देखिए नौ वर्ष का होने के बाद उसकी मेंटल एबिलिटीज आपको काफी अच्छी दिखाई देंगी तो चार अंकों वाली संख्याओं को उल्टे क्रम में दोहरा लेता है जैसे रुपया पैसे गिनना जोड़ना घटाना दिन बताना आज कौन सा है मंडे है संडे है आज डेट कौन सी है महीना कौन सा है ईयर कौन सा है यह सभी नौ वर्ष की एज में बच्चा बता देगा ठीक है तो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आया है कि दिन तारीख के बारे में पता होना महीने के बारे में ईयर के बारे में पैसे गिनना उसके अलावा जोड़ना घटाना ये नौ वर्ष का बच्चा कर लेता है क्योंकि स्कूल में जाना वो शुरू कर चुका है और ये जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं ही इज नाउ एबल टू डू इट ऑल उसके बाद दस साल की उम्र में वट आर बेसिक चेंजेस यानी कि बहुत तेजी से बोलना रैपिड स्पीकिंग आप देखेंगे तर्क करना चिंतन करना ये सब कुछ सीख लेता है इसका मतलब क्या हुआ तर्क करना चिंतन इससे पहले आपने देखा होगा कि अरे यार जैसे कि देखो अगर दस साल का बच्चा अगर दस साल का बच्चा किसी चीज को देखता है तो उसके पीछे कारण और कार्य का पता करने की कोशिश करता है मान लो किसी बच्चे ने देखा कि मैं कोई भी चीज ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूं सारी चीजें पांच से छह चीजें वो सभी नीचे आ जाती है तो मैं कहूं कि देख मेरे पास एक ऐसा ऐसी गेंद है जो मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो वो ऊपर जाएगी वो बोलेगा पागल हो गया सारी चीजें नीचे आ रही हैं तो नीचे ही आएगी लेकिन आप मुझे ये बता दो ये नीचे क्यों आ रही है ये क्वेश्चन भी वो पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछना उसने अभी छोड़ा नहीं है तो वो तर्क करना सीख जाएगा अगर उसकी मम्मी बोलेगी जा गब्बर सिंह आ जाएगा तो बोलेगा यार कैसी बातें कर रहे हो गब्बर सिंह कैसे आ जाएगा और मैं तो नहीं सो रहा हाँ ये बोलो कि भाई आपकी पिटाई हो जाएगी तो मैं सो जाऊंगा पर गब्बर वब्बर सिंह नहीं आएगा क्यों क्योंकि वो तर्क करना सीख गया है चिंतन करना सीख गया काफी अच्छे से तेज गति से भी बोलने लगता है दस साल में ग्यारहवें साल में और बारहवें साल में भी काफी अच्छी अच्छी चीजें जैसे कि कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है तुलनात्मक अध्ययन करना सीख लेता है तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण करने की क्षमता बच्चे के अंदर आ जाती है यानी कि रीजनिंग पावर क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन पावर उसके अंदर आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की योग्यता उसके अंदर आ जाती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे का खेलते हुए बैट टूट जाए और वो खुद दुकान पे से जाकर एल्फी या फेविक्विक से उसको चिपका ले तो सोच लेना उसके अंदर समस्या समाधान करने की योग्यता आ चुकी है और वो कितने साल का है ग्यारह बारह साल का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने समझ में आ गई होगी बात इससे पहले तो रोते हुए आएंगे मम्मी मेरा बैट टूट गया लेकिन वो क्या करेंगे को करेंगे चलो कुछ जुगाड़ करते हैं एल चिपका लेते हैं वरना हमारी इतनी ठुकाई होगी घर पे हमें अपनी मोड़ी को एल लगा के चिपकाना पड़ेगा तो बच्चे इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है सारी टेक्निक सीख जाते हैं चलिए हाँ जी बच्चे अपनी बात भी रखना इसके अंदर सीख जाते हैं अब इस अवस्था के पूर्ण होते होते बालक वातावरण की वास्तविक जो वास्तविकताएं हैं कि एन्वायरमेंट की वास्तविकताओं को समझने लगता है और उसके अंदर आत्मविश्वास हो जाता है यानी कि आसपास क्या चक्कर चल रहा है वास्तविक जगत में उसका अंदाजा बाल अवस्था के अंत तक बच्चे को हो जाता है और वो काफी चीजें सीख चुका होता है वो काफी इंफॉर्मेशन अपने आसपास की चीजों के बारे में कलेक्ट कर चुका होता है तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई तो उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो भी काफी ज्यादा बड़ा होगा तो आत्मविश्वास का विकास उसके अंदर हो जाता है अब बाल्यावस्था में एजुकेशन कैसे देनी चाहिए बच्चों बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे होना चाहिए यानी कि एक बालक को एक मास्टर पढ़ाएगा कैसे या एक मैडम पढ़ाएगी कैसे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए हाउ ए टीचर शुड टीच ए चाइल्ड ठीक है तो देखेंगे सबसे पहला है भाषा का विकास देखिए इस टाइम पर बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए यू मस्ट पे अटेंशन टूवर्ड्स लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इफ यू आर टीचिंग ए पर्सन हुज एज इज बिटवीन थ्री टू ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड यानी कि बाल्यावस्था के टाइम पर बच्चों के भाषा विकास को आप जोर देंगे क्यों क्योंकि बाल्यावस्था में भाषा विकास पर अधिक ध्यान इसलिए देना चाहिए अब देखो मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप और अच्छे से समझोगे बच्चे के एनवायरमेंट में आप देखते हैं कि बच्चा अपने विचारों को अब प्रदर्शित करना चाहता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है तो बच्चे अपने फीलिंग्स को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाए इसलिए आप उसकी भाषा के विकास के ऊपर ध्यान देंगे बच्चे को आप मल्टीलिंग्विस्टिक एनवायरमेंट देंगे एक क्लासरूम में बच्चा देखता है कि हिंदी बोलने वाला भी लड़का है इंग्लिश बोलने वाला भी है पंजाबी बोलने वाला भी है तो अपने एनवायरमेंट के अंदर अच्छे से एडजस्ट करने के लिए भी बच्चे को भाषा सीखना जरूरी हो जाता है ठीक है तो भाषा का विकास करना चाहिए इस टाइम पर इसीलिए बच्चे के अंदर लैंग्वेज को एड कर दिया जाता है एक सब्जेक्ट के रूप में बच्चे को हिंदी अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दी जाती है इस टाइम पर ठीक है क्योंकि इसी टाइम पर बच्चा भाषा का यूज करते हुए भाषण देना वाद विवाद करना डिस्कशन करना डिबेट करना सीख लेता है देखिए डिबेट में और डिस्कशन में क्या फर्क है देखिए डिबेट का मतलब होता है जब आप एक दूसरे के विचारों को काटते हो डिस्कशन का मतलब होता है जब आप एक दूसरे से बात करके किसी एक सोल्यूशन पर पहुंचते हो ठीक है डिबेट में एक सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता एक दूसरे पक्ष का होगा आप दूसरे पक्ष के लेकिन डिस्कशन में एक सॉल्यूशन पर पहुंचना होगा और आप दोनों का एम सेम होगा तो चाहे वाद विवाद हो चाहे भाषण देना हो चाहे डिबेट हो ये सारी चीजें बच्चा कर लेता है ठीक है लेकिन वो बात अलग है कि उसको दी जाती है कि याद करो और बोलो <laughs> तो निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए निबंध प्रतियोगिता आपने देखा होगा स्कूल के अंदर होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि बच्चे की भाषा का विकास करने की जो है जरूरत होती है उस टाइम पर रोचक पाठ्य सामग्री होनी चाहिए क्यों क्योंकि बच्चे की नेचर होती है इस टाइम पर क्रिएटिव अगर आप बच्चों को रिपीटेटिव काम दोगे क्रिएटिव काम नहीं दोगे और अगर आपकी शिक्षण विधि रुचिकर नहीं है आप एक घिसे पिटे तरीके से पढ़ा रहे हो तो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते तो याद रखना कि जो कंटेंट होगा वो भी डिफाइन करेगा कि बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रोचक पाठ्य सामग्री ही इनके लिए होनी चाहिए क्योंकि क्रिएटिविटी में ये इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी चीज पढ़ाओ जिससे उनकी क्रिएटिविटी नरिश हो और उनके अंदर जो जिज्ञासा है जो क्यूरियोसिटी हो उसको सेटिस्फाई किया जा सके क्योंकि बच्चे जिस चीज के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं उसी को आपको बताना चाहिए बच्चा इंटरेस्टेड है मैथ्स के क्वेश्चन पूछने में और आप उसको बोल रहे हो कि हिंदी पढ़ो बैठकर ऐसे काम नहीं चलेगा ना तो ऐसी एजुकेशन दो जो उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करो यानी कि पहले ही आप देखेंगे कि बालक के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होगी तो बालक जिस चीज के बारे में पूछना चाहे आप उसी चीज के बारे में बताओ तो उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि आपको करनी पड़ेगी या लाइक से कुछ फर्क नहीं पड़ता लाइव स्टूडेंट नहीं हुए थाउजेंड कोई बात नहीं मैं जब आया तो मैं थाउजेंड स्टूडेंट्स को पढ़ाने नहीं आया था मैं ईमानदारी से जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी इतनी डिटेल में पढ़ाई हुई वो डिलीवर करने और धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा हूँ मैं उसका कि मैं आधी वीडियो तक पहुंचू रचनात्मक एवं संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना यानी कि आपने देखा होगा कि इस एज में बच्चे के अंदर कलेक्टिंग की टेंडेंसी पाई जाती है जब हमने इसकी विशेषता की बात की तो बताया था कि टेंडेंसी टू कलेक्ट इसके अंदर होती है तो इसीलिए बालकों में रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि विकसित हो जाती है जो वस्तु या जो चीज उसे अच्छी लगती है उसे वो रखना चाहता है इसीलिए स्कूल के अंदर जो क्रिएटिव काम होते हैं उनकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए और बालकों को अच्छे चित्र वस्तुएं आदि संचय करने हेतु जो है प्रोत्साहित भी करना चाहिए क्योंकि इससे आप बच्चे की जो नेचर है उसको दबा नहीं रहे बच्चे की जो कलेक्टिंग नेचर है उसको आप जो है बढ़ोतरी ही कर रहे हैं उसके अंदर अब पांचवा पॉइंट किस तरीके से बच्चे की एजुकेशन होनी चाहिए बाल्यावस्था में वो ये है कि सामूहिक भावना के विकास पर बल देना चाहिए यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटी आप बच्चे की कराएंगे क्योंकि बच्चा इस टाइम पर एक्सट्रोवर्ट होता है नए नए उसके ग्रुप बने हुए होते हैं और बच्चे के अंदर संयोग सद्भावना नैतिकता सामाजिकता ये सब कुछ विकसित करने के लिए ग्रुप प्ले होने चाहिए सामाजिक खेल होने चाहिए ग्रुप स्पोर्ट्स होने चाहिए अलग अलग आपने देखा होगा समर कैंप लगा दिए जाते हैं सामाजिक कार्य होते हैं उनको बच्चों को एक साथ फील्ड ट्रिप पे ले जाया जाता है इकट्ठे शैक्षिक मेले लगते हैं इन सब की व्यवस्था करते हैं क्योंकि इस टाइम पर बाल्यावस्था के टाइम पर जब बाप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उनके अंदर सामूहिक भावना को विकसित करना चाहते हैं उसके अलावा बच्चों के सामाजिक गुणों का विकास भी करते हैं इस प्रकार की एजुकेशन बच्चों को देते हैं क्योंकि जिन जिन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है स्कूल उसके अंदर बालकों के अंदर अनुशासन उत्तरदायित्व आज्ञा पालन सहयोग ये सब सामाजिक गुण विकास होते हैं जैसे कि मान लो किसी स्कूल ने कोई फंक्शन जो है क्रिएट किया तो फंक्शन के रौनक कौन होते हैं सारे बच्चे पूरा स्कूल मिलकर जो है उस फंक्शन को मनाता है तो ऐसे में सारे सारे बच्चे क्या करते हैं कोई ग्रुप में कोई दस तरीके के कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं बच्चे कोई डांस एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है तो ऐसे में सामाजिक गुणों का विकास करने वाली भी शिक्षा आपको देनी पड़ेगी अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात करते हैं अब किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की यहां तक हम किस चीज की बात कर रहे थे कि शिक्षा का स्वरूप क्या है अब सामाजिक विकास बहुत जरूरी है इसमें क्योंकि बाल्यावस्था में बाहरी शक्तियों से अधिक सामना बच्चा करता है अब तक तो बच्चा परिवार में था जब बच्चा दो साल का था लेकिन जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचा तो उसका संपर्क हुआ बाहरी शक्तियों से उसका सामाजिक विकास जो है तेजी से होता है उस बाल्यावस्था की क्या आपने यहाँ पर क्वालिटी देखी कि जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट है वो वो होगा कम तेजी से स्टेबल होगा लेकिन सामाजिक विकास तेजी से होगा मैंने आपको बताया था अब उस चीज को प्रूव करने की बात है क्यों देखिए क्योंकि वह स्कूल में जाने लगता है बहुत सारे बच्चों से मिलता है बहुत सारे टीचर से मिलता है परिवार के सदस्य और मोहल्ले के सदस्य मिलजुल कर उसके सामने एक बहुत बड़ा सामाजिक दायरा बना देते हैं जिससे वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है और बहुत सारी एक्टिविटी करता है उन लोगों के साथ और जब इतना ज्यादा वो दूसरे लोगों के साथ मिलेगा एक्टिविटी करेगा तो बच्चे के जो विचार होते हैं वो उनसे प्रभावित जरूर होंगे आप जितने ज्यादा लोगों के बीच में आओगे उतना ज्यादा आपका नेचर चेंज होने लगेगा क्यों क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे उनकी हरकतें देखोगे उनके बारे में उनके एक्सपीरियंस सुनोगे उनको बोलते हुए सुनोगे उनको कोई काम करते हुए सुनोगे उनके एक्सपीरियंस देखोगे तो उनके विचारों से आप प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते समझ रहे हो मेरी बात तो याद रखना कि एक नया एनवायरमेंट होता है बाल्यावस्था के अंदर बच्चे के सामने जिसकी वो नॉलेज लेना चाहता है तो अपने नए वातावरण से अनुकूलन करने के लिए उसे समाज का हिस्सा बनना पड़ता है अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा निकलकर स्कूल में जाए तो वो बोले मैं तो अकेला बैठकर पढ़ूंगा मुझे नहीं पढ़ना बाकी क्यों बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता ना तो याद रखना इस टाइम पर सामाजिक विकास बहुत ज्यादा होगा इस अवस्था में वो मिलजुल कर खेलना शुरू करेगा समूह में रहना पसंद करेगा ग्रुप फॉर्मेशन की ये स्टेज होती ही है और ग्रुप में रहने के कारण बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प करना दयालुपन ईमानदारी इन सभी गुणों का विकास होने लगता है अगर आपसे पूछे कि उत्तरदायित्व हेल्प दयालुपना ईमानदारी इन सब गुणों का विकास कब होता है तो बाल्यावस्था में ठीक है तो आंसर होगा बाल्यावस्था में और याद रखना कि विद्यालय के जीवन में बालक को अनेक सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना पड़ता है यानी कि जब वो स्कूल में पढ़ता है तब भी उसे काफी सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना पड़ता है इसीलिए उसका जो है समाज के प्रति जो है उसका इंटरेस्ट भी जो है जागृत हो जाता है आगे देखिए इस एज में आपने देखा होगा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वो चाहते हैं कि समाज उनको एक्सेप्ट करे रिड हो गया ये यानी कि समाज उनको एक्सेप्ट करे ठीक है इस अवस्था में यदि उनके साथ प्यार से व्यवहार नहीं किया जाता तो उनमें नकारात्मक भाव जागृत होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बच्चे से मान लो कोई कप टूट गया और कप टूटने के बाद अगर उसकी मम्मी ने उसके पिटाई कर दी तो उसे लगेगा जैसे पता नहीं मैंने कप तोड़ के इस पूरी धरती के ऊपर सबसे बड़ा पाप कर दिया हूं तो आगे से वो अपनी जिंदगी में अगर कोई भी चीज तोड़ फोड़ देगा ना तो उसके दिल के अंदर एक गिल्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा कि यार पता नहीं मैंने क्या कर दिया समझ रहे हो मेरी बात तो याद रखना कि इस अवस्था में उनसे प्यार से बात करनी चाहिए वरना छोटी से छोटी चीज उनको लगेगी जैसे पता नहीं मैंने तो क्या कर दिया अनर्थ कर दिया तो नकारात्मक भाव जागृत हो तो जाते हैं वरना यार ये मेरा पैर ऐसा लगा इस पर बैलेंस ही बिगड़ गया खैर कोई बात नहीं यहां तक बात आप समझ गए ना चलिए तो इस प्रकार आप बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि जो बालकों का सामाजिक जीवन है वो बाल्यावस्था में काफी विस्तृत होने लगता है समाज और समूह में अपनी अलग पहचान बनाने का बच्चा हमेशा प्रयास करता है समूह में वह अपना आधिपत्य भी स्थापित करना चाहता है वो चाहता है अपना अपनी तरफ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन लाना यानी कि सब मेरी तरफ ही देखें ये उसके अंदर होता है ठीक है अब बाल्यावस्था में संवेगात्मक भी अब बात करेंगे हम चाइल्डहुड के अंदर बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है अब आपने देखा कि सारे के सारे संवेग तो दो या तीन साल की उम्र में ही बच्चे के अंदर आ जाते हैं तो इमोशनल डेवलपमेंट अब कैसे जरूरी हो गया देखिए फर्क यह आ जाता है कि पहली अवस्था में जो इमोशंस बच्चे के अंदर आते थे उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चा बिहेव करता था लेकिन यहाँ पर अगर बच्चे के अंदर कोई भी बिहेव कोई भी मान लो इमोशन आ गया तो वो इमोशंस के आवेग में आकर कुछ भी बिहेव नहीं करेगा क्योंकि बाल्यावस्था में बालक के संवेग सिर्फ उत्तेजना नहीं होते उसके संवेग अब मैच्योर हो जाते हैं अभिव्यक्ति में सामाजिकता प्रकट होने लगती है यानी कि पहले बच्चे को कोई लेना देना नहीं था समाज से जो इमोशन आया उसने वैसे किया पार्टी में गया सुसु आया वहीं पर कर दिया कोई दिक्कत नहीं लेकिन अब बच्चा सुसु करता हुआ पार्टी में डरेगा क्योंकि बच्चे के जो इमोशंस है उसका जुड़ाव हो गया है समाज से क्योंकि बच्चे के अंदर इमोशन आए और उसने इमोशन को का त्यों प्रदर्शित कर दिया तो जजमेंट शुरू होने लग जाएगा कि कितना गंदा बच्चा है पेंट में ही सुसु कर दिया तो याद रखना कि वो अपनी अभिव्यक्ति पर अब कंट्रोल करने लगता है यानी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना अगर शुरू करने की बात करें तो बाल्यावस्था के अंदर ही होने लगता है इसीलिए जब व्यक्ति अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना धीरे धीरे शुरू कर दे तो उसके इमोशन दबने लगते हैं तो संवेगों का दमन करने वाली अवस्था है पहली अवस्था में कोई दमन नहीं होता जो संवेग आया जैसी उसका नेचुरल रिएक्शन हुआ वो किया लेकिन यहां पर संवेगों का दमन करता है बच्चा क्यों क्योंकि संवेग सामाजिकता के साथ अब जुड़ने लग गए हैं जजमेंट होने लग गया उसको देखकर अब बच्चे के अंदर संवेगों को दबाने की क्षमता आ गई है दो साल के बच्चे की आप पिटाई करो रोने लगे और मम्मी बोले रोया तो और मारूंगी तो बच्चा रोना बंद नहीं करेगा सात साल के बच्चे की आप पिटाई करो जोर जोर से रो रहा हो और बोले ई अब रोया ना तू गया बच्चा वहीं पर रोना बंद कर देता है क्यों क्योंकि तो अपने संवेगों को दमन करने की क्षमता जो है बच्चा पैदा कर चुका होता है ऐसा होता है यानी आप खुद बता दो भाई इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता वो ये समझने लगता है कि उसके किस व्यवहार से उसके घर वाले उसके टीचर और दूसरे लोग हैप्पी होंगे और किस प्रकार से व्यवहार से वो क्रोधित होंगे बच्चे के अंदर अब इतना दिमाग जो है आने लगता है ठीक है चलिए अब बाल्यावस्था के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि ईर्ष्या और द्वेष की भावना विकसित होने लगती है <coughs> अब अगर मान लो कि बालक के अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना विकसित होने लग गई तो इस कारण होगा क्या इस कारण वह चिढ़ाना उपेक्षा करना निंदा करना आरोप लगाना और पॉइंट मारना यानी कि व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करना यानी कि किसी बच्चे की पिटाई हो गई किसी पीरियड में होती है उस बच्चे के पास जाके पूछे और भई क्या हाल है ये होता है बैंग मारना ये सब करना बच्चा शुरू कर देता है इस अवस्था में भय कम हो जाता है क्योंकि बच्चे बहुत सी चीजों से परिचित हो जाते हैं कई चीजों का जिसको पता नहीं था पता लग जाता है कि ये क्या होता है क्या नहीं और एनवायरमेंट में उसका एडजस्टमेंट बेटर हो जाता है बालक के अंदर जो जिज्ञासा की प्रबलता होती है ये भी आपको पता है और याद रखना कि जिन लोगों के साथ वो खेलता है वो बहुत आनंद महसूस करता है इस चीज में ठीक है जो बच्चे की तरफ स्नेह का भाव प्रकट करता है उसको बच्चा रिटर्न में उतना ही प्यार देता है तो ये सारी चीजें इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है अब निष्कर्ष की तरफ हम पहुंचते हैं फाइनली कि इतनी बाल्यावस्था की चीजों को हम डिस्कस करने के बाद बाल्यावस्था क्या है विशेषता क्या है शिक्षा का स्वरूप क्या है और उसके अलावा छोटी से छोटी और मोटी से मोटी बात ईयर वाइज और छोटी कुछ भी था वो मैंने आपको ए टू जेड चीज करवा दी तो इससे आप बिल्कुल ये समझ गए कि बच्चे के अंदर यहां पर अलग अलग संवेग जो हैं वो प्रकट होने लगते हैं लेकिन उनको बच्चा दबाना सीख गया है बच्चे का सामाजिक विकास इसमें ज्यादा होगा बच्चे का मानसिक और बच्चे का शारीरिक विकास इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेगा अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा क्यों क्योंकि बच्चा एनवायरमेंट में अडेप्ट करना चाहता है वास्तविक दुनिया में उसने एंट्री ली है ओके और मानव जीवन के अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इस एज में बच्चा लेता है बाहरी दुनिया से ओके और वास्तविक जगत का अंदाजा उसे होता है कि दुनिया मम्मी के पल्लू से भी बढ़ के आगे बहुत कुछ है ये इस एज में पता लग जाता है बच्चे अब करते हैं वो पार्ट क्वेश्चन का जो आप ये सोचते हो कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन से सारी चीजें आ जाती हैं नहीं आप मुझे एक बात ये बताओ आपको पता है जब मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि जो चीज़ें आप यूट्यूब पर इधर उधर आप पढ़ रहे हैं और जहां पर लोग ज्यादातर भागते हैं वो बुलशिट है उसका रीजन क्यों है और बच्चों को समझ में क्यों नहीं आती है भाई जिस आदमी ने जो आदमी हमेशा दिन अंधेरा मतलब कि आप मुझे एक बात ये बताओ हो, जो मान लो धरती पे कोई ऐसी जगह हो जहां पर 24 घंटे अंधेरा रहता हो और वहां के आदमियों को आप जाके बोलो कि दिन नाम की भी एक चीज होती है सूर्य नाम की भी एक चीज है जिससे रोशनी होती है जिससे सारी चीजें दिखती हैं वो आदमी मान ही नहीं सकते क्योंकि उनका माइंड कंडीशन हो गया है और उन्होंने वो चीज कभी देखी ही नहीं है तो जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि जो पढ़ाई का रियल तरीका है वो ऑनलाइन तभी हो सकता है जब आप ऑफलाइन पढ़ो अगर भाई आप ये टॉपिक पढ़ने जाओ किसी टीचर से उसके घर पे या वन ऑन वन भी तो ये जो मैं अभी तीन घंटे के अंदर या दो ढाई घंटे के अंदर पढ़ाऊंगा वो पर्सनली इससे ज्यादा ही टाइम लेगा आपको आपका जहां पर आप जाओगे लेकिन ऑनलाइन में आप क्या सोचते हो खुद बेवकूफ बनते हो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। तीस मिनट में तीस नंबर की तैयारी तीस जन्मों तक याद रहेगी ये थंबनेल पे लिख दिया बच्चे बेवकूफ हो गए नहीं भाई ऑनलाइन तैयारी तभी ऑफलाइन का मुकाबला कर पाएगी अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाए क्योंकि तीस मिनट की वीडियो में कोई भी चीज कभी कंप्लीट आपकी हो ही नहीं सकती समझ रहे हो मेरी बात यह सच्चाई है लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट सुनना नहीं चाहेंगे उन्हें लगेगा हम दो महीने से जहां पर धक्के खा रहे हैं वो वेस्ट है तो लोग तसली देते हैं अपने दिल को और बोलते हैं पागल हो गया चश्मे वाला लेकिन सच्चाई है ये चलिए तो निष्कर्ष आप समझ गए हैं बाल्यावस्था का तो क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो दल में रहने की अवस्था बिल्कुल है अनुकरण करने की अवस्था भी है प्रश्न करने की अवस्था भी है खेलने की अवस्था नहीं है उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा खेलता है पूर्व बाल्यावस्था में नहीं उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक में परिवर्तन समझने लगते हैं देखिए उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र इन तीनों के अंदर अंतर यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा अगला क्वेश्चन एग्जाम में आ, आ सकता है कि कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति श्रेणी के अंदर आता है यानी कि लेटर चाइल्डहुड का टाइम कौन सा होता है छह से ग्यारह या बारह का मतलब होता है लेटर चाइल्डहुड हुआ का मतलब होता है प्री चाइल्डहुड चाइल्डहुड तो इसमें लेटर को ये तो यहाँ पर ये यहां पर पूछा गया समूह समूह अच्छा कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति श्रेणी के अंदर आता है ग्रुप फॉर्मेशन भी छह से ग्यारह में ही हूं पहले भी नहीं हो सकता इस तरीके से अंतर चौथा अगला है किशोरावस्था यह लास्ट पार्ट रह गया हमारा किशोरावस्था अब यहां तक मुझे बताओ कि आपके माइंड में शैशवावस्था और बाल्यावस्था बिल्कुल क्लियर है या नहीं ईमानदारी से बताओ भाई कोई वो नहीं है जल्दी बताइए अरे बोलने दो तो जिनको जो बोलना है ठीक है, चले आगे किशोरावस्था चलो अब देखिए बाल विकास के अंदर ये जो तीसरी अवस्था होती है इसको बोला जाता है किशोरावस्था एडलोसेंस और किशोरावस्था का सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्थान रहता है अगर मैं बात करूं तो और ये शुरू होती है बाल्यावस्था के बाद में ठीक है और इसी अवस्था में बच्चा अपनी मेच्योरिटी हासिल करता है परिपक्व होता है और इसे आप एक चीज से सोच सकते हैं देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य मध्य का संधि काल इसे आप बोलते हैं यानी कि जो किशोरावस्था होती है एडलोसेंस होती है उससे पहले की स्टेज होगी बाल्यावस्था और उसके बाद की स्टेज होगी अडल्टुड प्रौढ़ावस्था ठीक है अठारह साल से आगे प्रौढ़ हो जाता है आदमी तो प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था के बीच की स्टेज है यह लिखा गया है कि बाल्या जो किशोरावस्था है इसे बाल्यावस्था तथा तो प्रौढ़ावस्था के बीच का कनेक्टिंग ब्रिज कहते हैं यह क्वेश्चन भी काफी कई बार आया है अब इसके निक नेम देख लेते हैं अलग अलग अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें इसका टाइम पीरियड क्या होता है तो इसका टाइम पीरियड होता है बारह से अठारह साल और इसके अलग अलग नाम है जैसे अमूरत चिंतन की अवस्था जिन प्याजे ने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है एज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दल भक्ति की आस्था यानी कि एक्टिव गैंग गैंग एज एक्टिव गैंग एज इससे पहले ग्रुप तो बनने बाल्यावस्था में शुरू हो गए थे लेकिन एक्टिव मेंबर होता है किशोरावस्था में जीवन का सबसे कठिन काल इसको कहा गया है अटपटी व उलझन की अवस्था इसको कहा गया है समस्याओं की अवस्था इसको कहा गया है द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था कहा गया है यानी कि फास्ट एंड रैपिड डेवलपमेंट अब आपने एक चीज देखा होगा पहले इसके नाम बताऊं फिर बताऊंगा स्वर्णिम काल बसंत ऋतु व्यक्ति अब देखो यहां पर आप कई बार गलती करोगे कि बसंत ऋतु किसको बोलते हैं फूल खिलने वाली आ गया हाँ बसंत ऋतु जवानी में फूल खिलते हैं तो इसलिए जवानी को ही आप बसंत ऋतु ठीक है <coughs> चलिए इसे व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी बोलते हैं क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर दोस्त तो बनते हैं लेकिन कोई फास्ट फ्रेंड नहीं बनता ठीक है तो व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी ये होती है दबाव या फिर तनाव तूफान की अवस्था इसे बोलते हैं इमोशनल चेंजेस की अवस्था इसको बोलते हैं आत्म सम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था इसको बोलते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था बोलते, है। बोलते हैं संघर्ष और तूफान की अवस्था बोलते हैं उथल पुथल की अवस्था बोलते हैं संक्रमण काल की अवस्था बोलते हैं या फिर संक्रांति काल भी बोलते हैं टीन बोलते हैं सुनहरी अवस्था बोलते हैं और एज ऑफ ब्यूटी ये इसके अलग अलग निक नेम है देख लो देखो ये सारे के सारे इसके नाम है ठीक है अब इसको शुरू करने से पहले एक चीज आपने देखी होगी कि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास पहली स्टेज में कैसा था बहुत तेज था दूसरी स्टेज में कैसा हो गया था वो स्टेबल हो गया था लेकिन यहां पर फिर से तेजी आ जाएगी उसमें लेकिन जो दूसरा पार्ट था यानी कि जो बाल्यावस्था थी उसमें स्टेबिलिटी आ गई थी मेंटल और आपके फिजिकल डेवलपमेंट में लेकिन सामाजिक विकास तेजी से हो रहा था इसके अंदर सामाजिक विकास भी होगा ऐसा नहीं होगा लेकिन जो स्टेबिलिटी आ गई थी मानसिक और शारीरिक विकास की जो है उसमें तो वो हट जाएगी अब रैपिडली होने लगेगा इस एज में तीसरी स्टेज में ये आपको मैं बताना चाहूंगा अब देखिए बाल्यावस्था के समापन के बाद तेरह वर्ष की आयु से किशोरावस्था आपकी शुरू हो जाती है और इसे तनाव और तूफान या संवेगों की अवस्था भी कहा गया है इट इज नोन एज The age of storm and age of emotional डिसबैलेंस as well एज ठीक है एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो उन्होंने किशोरों किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत ये कथन दिया था बार कथन वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये होगा एक मनोविज्ञानिक है जिनका नाम है जेरशील्ड उन्होंने कहा कि किशोरावस्था ऐसा टाइम है जो बाल्यावस्था से बच्चे को प्रिपोक्ट परिपक्वता मेचोरिटी की तरफ जो है धकेलता है स्टैनले होल ने कहा एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है निन्यानवे नब्बे परसेंट ये उसके बाद कई कई बार ये और ये ना मात्र कई बार क्या होता है तो नहीं सोचते वो आ जाता है तो मैंने सोचा कि जहां पर दो बताता हो तीसरा भी बता दूं यहीं आ गया तो क्या होगा तो स्टैनले हॉल ने बड़े तनाव और तूफान की अवस्था का है और विरोध की अवस्था का है इन्होंने द एडलोसेंस नाम एक नामक एक बुक लिखी थी उसके अंदर एडलोसन जो एडल सॉरी जो किशोरावस्था होती है उसके बारे में सारी बातें डिटेल से बताई थी उन्होंने तो अब आपने देखा कि किशोरावस्था जो आएगी जो ये तीसरी अवस्था होगी बहुत बड़ी इसमें बालक और बालिकाओं में क्रांतिकारी यानी कि बहुत तगड़े तगड़े शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन मिलेगी यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट प्रभावित होगा ओवरऑल डेवलपमेंट पहली स्टेज में भी प्रभावित नहीं हो रहा था दूसरी में भी इतना प्रभावित नहीं हो रहा था लेकिन तीसरी में प्रभावित होगा क्यों क्योंकि पहली में सामाजिक विकास नहीं हो रहा था बच्चे का दूसरी अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास के अंदर स्टेबिलिटी आ गई थी लेकिन यहां पर तीनों ही चीजें जो है काफी विकसित होंगी कितनी स्लाइड है इतनी स्लाइड है दोस्त जितना मेरे ख्याल से सीटेट के उसमें किसी ने नहीं करवाए होंगे एक स्लाइड है ये और ये मैं ऐप के ऊपर और टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा आपसे अब विशेषताएं देखते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या देखते हैं जो हमारी किशोरावस्था है उसकी विशेषता किशोरावस्था की पहली विशेषता है काम शक्ति की परिपक्वता यानी कि काम इंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास किशोरावस्था की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है इस अवस्था के पूर्व काल में बालकों और बालिकाओं के समान लिंग के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता आंखों की गुस्ताखियां ये वाला सीन हो जाता है यहां पर तो इस अवस्था के उत्तर काल में यह आकर्षण विषम लिंगों के प्रति प्रबल रुचि का रूप धारण कर लेता है यानी कि लड़के शादी हो रही है एक रूम में लड़कियां बैठती हैं किसी लड़के को वहां से उस रूम में से कोई चीज लानी है तो वो बोलेगा मैं नहीं जरा लड़कियां बैठी अगर किसी बच्चे को भेजोगे तो वो लड़कियों के ग्रुप के बीच में भी जो चीज रखी होगी उसको चीरता हुआ वहां से ले आएगा और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा लेकिन आप किसी जवान बच्चे को बोलो कि उस कमरे में लड़कियां बैठो तो ले ना लेना मैं नहीं जा रहा तो ये चीज इसी एज में होती है क्योंकि काम शक्ति की परिपक्वता इस एज की एक क्वालिटी है ठीक है अदरवाइज मत लेना मैं जस्ट एज ए टीचर आपको यह बता रहा था ताकि क्लास बोरिंग ना लगे नेक्स्ट नेक्स्ट है समूह को महत्व देना आपने देखा था कि किशोर जिस भी ग्रुप का एक्टिव मेंबर हो जाता है वो उसके परिवार और विद्यालय से अधिक उसको समझने लगता है अपने ग्रुप को यदि उसके मां बाप और उसके ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर रंजिश हो जाए कि वहां जाना है उसका ग्रुप बोले जाना है चलेंगे घर वाले बोले नहीं जाना गंदी बात है तो बच्चे के अनुसार यानी कि एक किशोर के अनुसार जो उसका ग्रुप बोल रहा है वो ठीक याद रखना क्योंकि वो ग्रुप का एक्टिव मेंबर बन जाता है पहले एक्टिव मेंबर नहीं था ठीक है याद रखना कि जिस ग्रुप में वो रहता है वो ग्रुप उस बच्चे के दृष्टिकोण को भी जो है इफेक्ट करता है पॉइंट ऑफ व्यू को भी बहुत इफेक्ट करता है और इस टाइम पर जितने भी दोस्त मिलेंगे आप देखेंगे कि उन सभी का व्यवहार सेम होगा उनका इंटरेस्ट सेम होगा उनकी इच्छाएं सेम होगी चार दोस्त आप देखेंगे किशोरावस्था में तो ये होगा चलो वहां चलते हैं ऐसा नहीं होगा

मेरे दोस्त के वहां पर जो शादी है ना उसमें कुछ काम था उसके लिए उसे मेरी स्कूटी चाहिए और मैं स्कूटी पे जा रहा हूं जो चीज सामने नहीं है उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये दिमाग में नहीं प्रेजेंट करने की एबिलिटी नहीं होती बाल्यावस्था में कि इतना डीप जाके आप बेवकूफ बनाते समझा तो आप याद रखना कि इसके अंदर वो एक्टिव मेंबर बन जाता है अब ईश्वर और धर्म में विश्वास यानी कि जब किशोरावस्था की शुरुआत होगी तब ना तो वो ईश्वर के अंदर विश्वास रखेगा ना धर्म के अंदर क्यों क्योंकि बच्चे के अंदर काफी प्रश्न रहते हैं दिल में पहले वो अपने आसपास के अंदर जो चीजें चल रही हैं उनके प्रति शुरुआत में इतना अवेयर नहीं होता तो जब आसपास की चीजों से अवेयरनेस उसकी पूरी हो जाती है तभी वो आस्था के बारे में सोच पाएगा ना अन्य आपका नाम ही आस्था हो तो आप सोच पाएंगे पहले ही आस्था के बारे में लेकिन आस्था के बारे में सोचा जाएगा ईश्वरावस्था क्यों क्योंकि ईश्वर और धर्म में विश्वास शुरू में नहीं होता क्योंकि इन इनके रिलेशन में काफी शंकाएं उत्पन्न होती है लेकिन धीरे धीरे बच्चे के अंदर धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और ईश्वर की सत्ता को वो स्वीकार करने लग जाते हैं ठीक है चलिए मैंने वाईफाई लगवा रखा है मनीष कुमार <coughs> अब किशोरावस्था के अंदर शारीरिक विकास की बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की बहुत तगड़े तगड़े चेंज मिलेंगे सबसे पहले तो लंबाई और भार की बात करते हैं कि जो बाल्यावस्था आई थी उसमें लड़कियां आ गई थी लड़कों से हाइट में भी और वेट में भी लेकिन जहां पर बात आ जाएगी किशोरावस्था की तो याद रखना कि किशोरावस्था में बालक बालिकाओं की लंबाई तेज गति से बढ़ती है दोनों की तेज गति से बढ़ेगी बालकों की लंबाई 18 वर्ष की अवस्था के बाद भी बढ़ती है जबकि बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष की अवस्था तक अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाती है 16 साल के अंदर ही लड़की अपना पूरा डेवलपमेंट फिजिकली मेच्योर हो जाती है 18 साल लगते हैं लड़के को दो साल पीछे अभी है भी, भी हैं लड़के फिजिकल डेवलपमेंट में अरे मैं तो मानता हूँ मेंटल डेवलपमेंट में भी, भी है एक दसवीं क्लास का लड़का एक बारहवीं क्लास की लड़की को पागल नहीं बना सकता लेकिन एक दसवीं क्लास की एक छठी आठवीं क्लास की लड़की बारहवीं क्लास के लड़कों को पागल बना सकती तो भाई दे आर रियली स्ट्रांगनेटिव तरीके से भी हाँ जी रहे हो आप तो याद रखना कि सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी वो आपसे जल्दी मेच्योर होती है और बालिकाओं की लंबाई बालकों की लंबाई से कम होती है जैसा आपने देखा था कि बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो हाइट वेट होता है वो लड़कियों का ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पर जैसे लड़कों को एज मिल गया कि दो साल तक उनकी डेवलपमेंट और होती रहती है तो ज़्यादातर लड़कों की जो लंबाई होती है वो लड़कियों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा होगी चलिए आगे देखिए सिर और मस्तिष्क अगर किशोरावस्था में मैं सिर और मस्तिष्क की बात करूं तो किशोरों के सिर और मस्तिष्क का विकास अत्यंत धीमी गति से चलता है और 16 वर्ष की अवस्था तक उनके मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर ही नाइन्टी परसेंट से ज्यादा हो चुका होता है अब हड्डियों की बात करें तो जो बचा कुचा लचीलापन जो रह गया था हड्डियों के अंदर बाल्यावस्था में वैसे तो हड्डियां जो है स्ट्रॉन्ग होनी शुरू ही हो गई थी थोड़ा बोतल चीलापन रहता है बाल्यावस्था में लेकिन वो थोड़ा बोतल चीलापन भी समाप्त हो जाता है इसके अंदर हड्डियों का पूर्ण रूप से कठोर हो जाती हैं यहाँ पर हड्डियाँ और छोटी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं इसलिए हड्डियों की संख्या भी बहुत कम हो जाती हैं आपने देखा कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो शरीर के अंदर कम हड्डियाँ जब बाल्यावस्था आई तो हड्डियाँ ज्यादा हो गई लेकिन जब किशोरावस्था आई तो हड्डियाँ ज्यादा की बजाय कम हो गई क्यों क्योंकि जो छोटी मोटी एक दो हड्डियाँ थी वो मेच्योरिटी के साथ फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ वो मिलकर एक हड्डी बन जाती हैं तो याद रखना हड्डियों की संख्या इस टाइम पर बाल्यावस्था की अपेक्षा कम हो जाती है क्योंकि दो तीन हड्डियां मिलकर एक बड़ी हड्डी बन जाती है चलिए आगे देखिए दांतों की बात करें तो किशोरों के पूरे के पूरे, पूरे बत्तीस दांत निकल आते हैं और उनकी मांसपेशियों का विकास भी तेजी से होता है बच्चे की मसल वसल जो है यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाती है दाढ़ी मुझे आने आनी शुरू हो जाती है लड़कों के अंदर लड़कियों के अंदर भी मुझे आने शुरू हो जाती है तो भाई मुझे आना एक नेचुरल प्रोसेस है लड़कों को भी आती है लड़कियों को भी वो बात अलग है कोई रखे ना रखे तो जो होगा गए थे टीचर तो बत्तीस दांत निकल आते हैं लड़के लड़कियों को दाढ़ी मुँचे आ जाती हैं चलिए अब किशोरावस्था में मानसिक विकास की बात करते हैं ये तो हमने फिजिकल डेवलपमेंट की बात क्योंकि आप कितनी बढ़ाई की तो थोड़ा बहुत तो मुझे तो तो लड़कों की साइड भी लेनी पड़ेगी तो किशोरावस्था में मानसिक विकास की बात करते हैं मानसिक विकास कैसे होता है देखिए किशोरावस्था में मानसिक विकास अपने अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है यानी कि मेंटल डेवलपमेंट की, की चरम सीमा को जो है छू लेता है यहां पर मानसिक विकास और इस अवस्था में जो भी चेंज हो मानसिक विकास के वो कौन कौन से होंगे देखिए सबसे पहले बुद्धि का अधिकतम विकास मेंटल डेवलपमेंट की हाइएस्ट स्टेज जो होती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन प्याजे के अनुसार तो किशोरावस्था में किशोरों का मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा को छू लेता है यानी कि हाइएस्ट मेंटल डेवलपमेंट इसके अंदर हो जाता है बालक बालिकाओं की ध्यान और स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है अर्थात इस स्टेज के अंदर बुद्धि का पूरा विकास हो जाता है डेफिनेटली चलिए मानसिक स्वतंत्रता का विकास इसका मतलब यह होता है कि बालक दूसरों का हस्तक्षेप इसे इसमें बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर आप बच्चों को कुछ भी बोलेंगे किशोरों को कुछ भी बोलेंगे तो उसे लगेगा भाई मैं खुद समझदार हूं ज्यादा मास्टर मत बन ऐसा बोलते हैं क्योंकि अपनी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते ठीक है आई एम नो नॉन सेंस गाय ये एटीट्यूड मिलेगा इस टाइम पर वह अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहेगा हर वस्तु व्यक्ति काम जो उसे सुख देती है उसके उसको ही जो है वो अंत्य क्रिया करने की चेष्टा करता है याद रखना मानसिक विकास के ध्यान मानसिक विकास के अंदर चीज याद रखना सबसे ज्यादा स्वतंत्र रहने की इच्छा होगी और उस व्यक्ति वस्तु या काम जिसके अंदर उसे सुख मिलता है उसके साथ अंत्य क्रिया करना इंट्रैक्शन करना उसे सबसे ज्यादा पसंद होगा अब उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास यानी कि कुछ ऐसी मानसिक शक्तियां हैं जो बाल्यावस्था के अंदर बच्चों के अंदर नहीं होती ठीक है समस्या समाधान करना तो वो सीख जाते हैं लेकिन यहां पर जैसे डिसीजन मेकिंग हुआ जैसे चिंतन करना हुआ तर्क करना हुआ इमेजिन करना हुआ जो अमूर्त चिंतन करना हुआ ये सारी चीजें बच्चे के अंदर डेवलप होंगी जब बच्चा फोर्थ स्टेज में पहुंचे और फोर्थ स्टेज जीन पियाजे की कब आती है जब बच्चा हो जाता है किशोर किशोरावस्था में 12 से 18 के बीच में अब रुचियों की विविधता अब आपने देखा कि किशोरावस्था में रुचियों का विकास बहुत तेजी से होता है यानी कि इस एज इंटरेस्ट कब शुरू होता है बच्चों के अंदर आना रुचि मैंने पिछली अवस्था में बताई थी कि रुचियां बनना स्टार्ट हो जाता है बाल्यावस्था में लेकिन वो रुचियां कैसी होती है टेम्प्रेरी आज किसी चीज में इंटरेस्ट परसों किसी चीज में लेकिन यहां पर जो रुचियां होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं ठीक है वहां पर बालक बालिकाओं की रुचियां अलग थी लेकिन यहां पर बालक बालिकाओं की रुचियां सेम हो सकती हैं जो काम लड़कों को करना पसंद होता है वो लड़कियों को भी इसमें पसंद हो सकता है यहां पर जेंडर कोई भी डिसाइड नहीं करना करता जैसे शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि जिम जाना लड़कों लड़कों को भी पसंद लड़कियों को भी है आकर्षक व्यक्ति तो अच्छी होनी चाहिए लड़कों को भी इस चीज में इंटरेस्ट है लड़कियों को भी पौष्टिक भोजन वेशभूषा पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर इंटरनेट और साहित्यिक कार्यक्रम तो लड़का हो चाहे लड़की इन सब के अंदर रुचियां आने लगती हैं बच्चों को अब सामाजिक विकास किसकी बात करेंगे अब बात करेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है अब देखिए सामाजिक विकास अब देखिए सामाजिक विकास की बात करने से पहले आप एक सोच कर देखो कि सामाजिक दायरा बच्चे का बढ़ेगा या घटेगा जब पहली स्टेज थी तो बच्चा सिर्फ अपने घर घर में रहता था लेकिन जब बाल्यावस्था आई तो बच्चा अपने घर से निकलकर स्कूल में जाने लग गया अपने आस पड़ोस के बच्चों से मिलता है लेकिन जब किशोरावस्था में आ जाता है तो बहुत ज्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में वो आता है तो याद रखना बालक बालिकाओं का सामाजिक परिवेश जो होता है जो उनका सोशल सर्कल होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है किशोरावस्था में ठीक है और जब सोशल सर्कल आपका इतना एक्सपेंड हो जाएगा तो उसको मैनेज करना भी बहुत दिक्कत हो जाती है और एक चीज और इसके अंदर होती है कि बच्चे के अंदर इमोशन बहुत ज्यादा आते हैं इस एज में जो हम इमोशनल डेवलपमेंट के टाइम पर बात करेंगे अभी सिर्फ सामाजिक चीजों की बात देखिए इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स समस्याओं के बारे में चिंतित रहते हैं जैसे पैसा कहाँ से आएगा लव मैरिज होगी या नहीं होगी पारिवारिक जीवन यार घर में रोज कल है रहता है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना कि यार ऐसे जीवन जीना है जिसमें अपना ही सब कुछ कोई डंडा ना करे इस तरीके से जिनका प्रभाव उसके सामाजिक विकास पर भी पड़ता है याद रखना ये अगर आपसे पूछे धन के बारे में सोचना नौकरी के बारे में लव मैरिज के बारे में परिवारिक जीवन के बारे में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के बारे में ये कब सोचेगा बच्चा ये में नहीं सोचेगा ये किशोरावस्था में सोचेगा बालक नहीं सोचेगा किशोर सोचेगा ये किशोर ये ये जो होगा किशोर की सोच है ये बच्चे की सोच नहीं मैं बोलूं बालक तो मतलब बाल्यावस्था जब बोलूं किशोर मतलब किशोर तो ये किशोर की अवस्था है ना कि बालक की ठीक है आगे देखिए किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के कुछ ऐसे मित्र बनते हैं जिनसे वे खुलकर बातें कर सकते हैं अपने मन की बातों को प्रकट कर सकते हैं इन मित्रों की संख्या कम होती है बाल्यावस्था में कोई ऐसा बालक नहीं होता जिनके साथ आप खुलकर बातें कर, बाते कर सकें जब वो बातें ही नहीं होती जो इतनी खुलने वाली हो लेकिन वो बातें तब उत्पन्न होती है जब आप किशोर अवस्था में ठीक है यहां पर जो है मित्र आपके स्थायी बन जाते हैं आगे इस अवस्था में प्राय किशोरों को अपने अलग समूह का निर्माण के प्रति विशेष आकर्षण हो जाता है यानी कि वो किसी भी रेंडम ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता इसमें वो चाहता है कि मेरे ग्रुप में कोई आकर्षण अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनना फैशन करना और ये दिखाना कि मैं भी हूं यहाँ पर ग्रुप के बीच में ये सारी चीजें इस टाइम पर आ जाती है और इस अवस्था में जो बिहेवियर होता है किशोरों का वो एक अडल्ट की तरह होता है यानी कि कोई भी अगर प्रोग्राम हो रहा हो और आप देखिए कोई किशोर है बारह से अठारह साल का तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे बड़ा बूढ़ा तो तो याद रखना कि वो समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं और उनका बिहेवियर ऐसा होता है जैसे पता नहीं ये बूढ़े हो गए हैं ऐसे ही जब छोटे छोटे समझ में आई ना बात आपको तो याद कर रखना कि व्यस्त व्यक्तियों की तरफ वह व्यवहार करने चलिए उनसे बोलो ना भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है अपना बच्चा है बच्चे की तरह रहे बोला नहीं बड़ा हो चुका हूं मैं ऐसे एक छोटा सा बालक कर रहा था वो ऐसे बिहेव कर रहा था मेरे सामने की जैसे वो पता नहीं कितना तो, तो बूढ़ा हो गया ना भाई गली में जब निकलता होगा तो औरतें पल्ला करने लग गई होगी भाई तो, तो इतना बड़ा हो गया है अब <laughs> तो उसने शर्म थोड़ी सी चलिए खैर आगे बढ़ते हैं सामाजिक विकास से अगर हम आगे बढ़े उससे पहले ये पॉइंट भी रह गए एक बार देख लेते हैं कि किशोरावस्था के अंदर आत्मनिर्भर बच्चा बनना चाहता है व्यवसाय का चयन करने के लिए चिंतित रहता है ये सीटेट के अंदर क्वेश्चन आता है अलग अलग टाइप में हंड्रेड परसेंट कि व्यवसाय का चयन करने के लिए चिंतित कब रहा जाता है तो याद रखना वो तभी रहेगा जब वो किशोर होगा ठीक है किसी भी चीज में सफलता या असफलता के लिए डर इसी एज में सबसे ज्यादा बच्चे के अंदर आता है और किशोरावस्था में बच्चे अपने मां बाप जो उनके परिजन हैं जो रूल रेगुलेशन है उनसे खुश नहीं होते वे सोचते हैं कि यह ठीक नहीं है विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है इस एज में ठीक है लेकिन अगर आप किशोरों को प्यार से समझाएं तो वो बात को मान भी लेते हैं ठीक है याद रखना कि चाहे माता पिता परिवारजन हो परंपराएं हो रीति रिवाज हो विद्रोह की भावना आएगी लेकिन उस विद्रोह की भावना को प्रबल स्नेह और प्यार से आप जो है चेंज भी कर सकते हैं इसे। अब किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं देख लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि किशोरावस्था को इतने निकनेम दिए गए हैं क्यों क्योंकि इसके अंदर दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। क्यों क्योंकि किशोरों का बुत अधिक आदर्शवादी होना किशोरावस्था में वो एक रूल बना लेते हैं कि यह काम मुझे करना है ये काम नहीं करना है धरती भी खत्म हो जाएगी जो काम मुझे नहीं करना मैं वो नहीं करूंगा ये ऐसा एक अडियल पना सा आ जाता है तो किशोरों की प्रमुख समस्या होती है कि किशोर बहुत ज्यादा आदर्शवादी अडियल भी हो जाते हैं किशोरों में एडजस्ट करने की समस्या होती है वो अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं ठीक है किशोरों में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा रहती है यानी कि बाल्यावस्था तक आप पॉकेट मनी से सेटिस्फाई रहते हैं आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती कि मैं कब कमाऊंगा लेकिन किशोर में आती पॉकेट मनी से आपका गुजारा नहीं चलता आप चिंतित रहते आई वॉन्ट मोर मनी किशोर में लिंग संबंधी संतोषप्रद कार्य करने की आकांक्षा रहती किसका मतलब है यानी कि इसका मतलब यह है ऐसे बताऊं मतलब कि दो बंदे हैं एक बालक है बारह साल से कम का उसका कहीं जाने का मन नहीं कर रहा तो वो नहीं जाएगा कहीं चाहे लड़की आए उसकी एज पर बोले कि यार वहां चलना है चलोगे मेरे साथ भाई मेरा मूड नहीं है मैं नहीं जाऊंगा और अगर मान लो किसी किशोर से कोई किशोरी आई और उस किशोर का कहीं हिलने का भी मूड नहीं है और बोले यार आज मेरा वहां जाने का मन है कंपनी बोलेगा यार आज तो मेरी गाड़ी भी फ्री है सुनते तो इसका मतलब क्या हुआ कि किशोरों में लिंग संबंधी संतोषप्रद कार्य करने की इस एज में आप देखेंगे बालकों के अंदर नहीं होता और किशोरों के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना आवश्यक होता है किशोर अपनी शारीरिक शक्ति और व्यक्तिगत पर्याप्तता का मूल्यांकन करना चाहता है मैं कितना पावरफुल मैं कितना मतलब कि मेरे तिलों के अंदर कितना तिल है यह चेक करना चाहता है किशोरावस्था आदमी स्वयं का मूल्यांकन करना स्वयं को खोजने का काल यह होता है ठीक है

व्यक्तिगत भय चिंता आदि भावों से परेशान रहेंगे यानी कि किशोर हमेशा परेशान रहेंगे बेवजह के भय से चिंता से भावनाओं से दूसरे दिन ब्रेकअप से टेस्व बातें हुए वो आपको मिलेंगे जिससे कोई लेना देना नहीं होता किशोरों का कभी कभी दूरवर्ती उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उतावला होना जैसे कि इस एज में बच्चे इस एज में किशोर गोल अचीविंग के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं बाल्यावस्था से भी ज्यादा किशोरों का तर्क चिंता अमूर्त विचार और निर्णय की विधि को प्राप्त करने में मगन रहना यानी कि इस टाइम पर बच्चे एक चीज के ज्यादा सोल्यूशन निकालना चाहते हैं हर एक चीज को तर्क की कसौटी पर तोलना चाहते हैं अमूर्त विचार भी रखते हैं तो ये सारी दिक्कतें बच्चे के सामने आती हैं इतनी सारी चीजों को हैंडल करना तो दोस्त ये आज आप लोगों के सामने मैंने पूरी क्लास जो है करवा दी है यहां पर मैंने किशोरावस्था की जो है दिक्कतें भी देखी तो चलिए कुछ रहता, अभी रहता है या नहीं रहता मैं एक बार देख लेता हूँ स्वतंत्रता के, के अनुपात में अनुशासनात्मकता का प्रमाण मिलना किशोर का कभी कभी भद्दा दिखाई देना और अपने समकक्ष समूह के किसी प्रकार की भिन्नता के प्रति विशेष रूप से रहना लेकिन ये सारी दिक्कतें हैं जो किशोरावस्था में किशोर महसूस करते हैं तो ये सारी दिक्कतें देख के हम इजीली बोल सकते हैं कि इस टाइम पर जो बिहेवियर होता है किशोर तो उनके लिए काफी समस्याएं क्रिएट ठीक है चलिए अब बात करते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास यानी कि आपके किशोरावस्था में इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है देखिए इमोशन आ जाते हैं पहली अवस्था में और आपको पता है कि इमोशंस के ऊपर ही व्यवहार करता है बच्चा पहली अवस्था में यानी कि इमोशन आयडर का तो बच्चा रोने लग गया लेकिन इमोशंस को दबाना कब शुरू कर देता है दूसरी अवस्था लेकिन तीसरी अवस्था में इमोशंस की बाढ़ आ जाती है किशोर के अंदर क्योंकि किशोरावस्था में संवेगों की बहुत प्रबलता होती है इसमें इस अवस्था में आप देखेंगे कि विरोधी मनोदशा पाई जाती है कभी प्रसन्न कभी दुखी कभी धूप तो कभी छांव कभी लव यू तो कभी हेट यू ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि उनके संवेक बदलते रहते हैं टाइम टाइम पर इमोशंस बदलते रहते हैं अब आपने एक चीज और देखा होगा कि इसके अंदर इमोशंस की अगर हम बात करें तो इमोशंस का दूसरा नाम है लड़के के लिए लड़का और लड़की के लिए तो समझ गए ना विषम लिंग क्योंकि अति प्रबल आकर्षण होता है काम भावना की प्रबलता होती है और उसे व्यक्त भी करता है ठीक है उसे व्यक्त भी करता है यानी कि हिंट ड्रॉप भी होते हैं यह अवस्था स्वाभिमान एवं अहंकार से युक्त होती है यानी कि इस टाइम पर बच्चे के अंदर स्वाभिमान भी होता है और अहंकार भी होते हैं ठीक है अगर किशोरों के अहंकार पर या उनके स्वाभिमान पर चोट लगेगी चाहे कोई भी पोचा तो उसे सहन नहीं कर पाएगा और वह कभी कभी घर से भागने की धमकी भी सोच देता है आप में से निन्यानवे परसेंट बच्चे जरूर यह इस बात को बोलेंगे बचपन में जिसके मन में यह ना आया हो कि आज मेरी पिटाई होगी मैं कल ही जाऊंगा घर छोड़ के <laughs> समझ रहे हो तो याद रखना कि किशोरावस्था में अगर उनके स्वाभिमान और अहंकार को अगर उनके मां बाप भी ठेस पहुंचा दे तो घर से पलायन भी कर सकते ये इतने तगड़ा जो है इमोशनल डिसबैलेंस का खेल होता है इस एज में ठीक है क्योंकि किशोर स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अपने परिवार समाज के आदर्श परंपरा रीति रिवाज जो रूल रेगुलेशन है अंधविश्वास की तरह उनको न मानकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है यानी कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा आई एम माई ऑन किंग आई एम माई बॉस मैं किसी की नहीं सुनूंगा तो आप जब भी किशोरों को एजुकेट करें तो उनको सुझाव देने चाहिए उनको ऑर्डर नहीं देने चाहिए क्योंकि वो आपके सुझावों को तो मान भी लेंगे लेकिन अगर आप सुझाव की जगह अगर ऑर्डर देने लग गए तो ओप के, आपके ऑर्डर को कोई नहीं मानेगा ठीक है कोई भी नहीं मानेगा अब बात कर लेते हैं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप यानी कि किशोरावस्था में बच्चों को एजुकेट कैसे किया जाए हमने बाल्यावस्था में भी देखा था तो इसको भी देखते हैं देखिए इसके अंदर आपने देखा कि शरीर के अंदर फुली मेचोरिटी आ जाती है शरीर का विकास रैपिडली होने लगता है तो जब भी उन्हें आप पढ़ाना शुरू करें तो पढ़ाई के अंदर फिजिकल और जो मेंटल एजुकेशन है वो बहुत होनी होनी चाहिए चाहिए शारीरिक शारीरिक और स्वास्थ्य की शिक्षा विभिन्न प्रकार के व्यायाम होने चाहिए और सभी प्रकार के खेल कूद शामिल उसके बाद मानसिक विकास की बात करूं यहां पर बात की बच्चे के शारीरिक विकास की शिक्षा बच्चे के शारीरिक विकास को अच्छा करने वाली हो दूसरा हो कि शिक्षा बच्चे के मानसिक विकास को अच्छा करने वाली हो यानी कि बच्चे के सोचने की जो उच्चतम शक्तियाँ होती है जिनका विकास अभी अभी हुआ है जैसे अमूर्त चिंतन निगमनात्मक चिंतन दृष्टिकोण बना है उनका अलग अलग चीजों के बारे में इन सब को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए इसके साथ साथ डेवलपमेंट का एक और एरिया इमोशनल डेवलपमेंट उसको समेटने वाली भी शिक्षा होनी चाहिए यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को नरिश करने वाली शिक्षा की बात की गई है जैसे यहाँ पर शारीरिक

जो है संवेगों को समझ कर उसका दमन करवाना चाहिए जैसे कि बच्चे को कंट्रोल कर लिया जाता है उसके इमोशंस को दबा कर लेकिन इस टाइम पर दबा नहीं पाते हैं बच्चे उनके इमोशंस को जो है दमन कर सके इसमें इसकी हेल्प करनी चाहिए ठीक है आगे सामाजिक संबंधों की शिक्षा देनी चाहिए क्यों क्योंकि इस एज में सामाजिक जो दायरा है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है ठीक है सबसे बड़ा सामाजिक दायरा किशोरों का ही होता है तो शिक्षा जब भी दें आप किशोरों को तो सामाजिक संबंधों की शिक्षा आपको देनी चाहिए ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉलेजेस के अंदर यूनियन बन जाते हैं स्टूडेंट यूनियन ये क्लब फलाना क्लब धकड़ा क्लब डांस क्लब एग्रीकल्चर क्लब पता नहीं क्या क्या ये इसीलिए होता है ताकि अडल्ट लोगों को यानी कि जो किशोर बच्चे हैं उनको सामाजिक संबंधों की शिक्षा भी देनी चाहिए इसीलिए जो तो स्कूल का करिकुलम होता है जो तो शिक्षा होती है उसमें वो सारी चीजें होती राजनीति के लिए नहीं होती वो आप सोचते होंगे राजनीति के लिए होती है वो राजनीति के लिए नहीं होती इसलिए होती व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा देना किशोर अलग अलग तरीके के होते हैं अलग अलग तरीके से सीखने वाले होते हैं तो याद रखना अगर एक ही तरीके से आप क्लासरूम के अंदर मान लो तीस किशोर बैठे हैं एक ही तरीके से पढ़ाने लग जाओगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही आपको उन्हें शिक्षा देनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट दो पैसे कमा खा ले वो उनके दिमाग में जो फ्यूचर की टेंशन नौकरी की टेंशन है उसको दूर किया जा सके ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उसका तो लेना देना ही नहीं है कुछ भी स्कूल में पढ़ ले, लेकिन होना कुछ भी नहीं ऐसा नहीं होनी चाहिए पूर्व व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए यानी कि अपने जीवन में किसी न किसी व्यवसाय के अंदर भी बच्चा अच्छा हो किसी ना किसी व्यवसाय की शिक्षा भी बच्चे को पढ़ाई के टाइम पर ही देनी चाहिए ठीक है अब जीवन दर्शन की शिक्षा यानी कि इस टाइम पर बच्चा विध्वंसक भी हो सकता है और क्रिएटिव भी हो सकता है तो जीवन दर्शन की शिक्षा कैसा जीवन एक अच्छा जीवन है शिक्षा के अंदर ये गुण होना चाहिए इस टाइम पर क्योंकि क्योंकि बच्चों की सोच को जो भी इन्फ्लुएंस कर गया बच्चा वैसा ही बन जाएगा इस टाइम पर धार्मिक और नैतिक शिक्षा क्योंकि शिक्षा का एक मेन एम होता है आदमी को समाज का एक हिस्सा बनाना अगर आदमी समाज से अगर थोड़ा कट रहा है तो इसी एज में ज्यादा चांस होता है कि कोई भी बच्चा अपने समाज से कट जाए तो अगर आप उन्हें शिक्षा ही ऐसी देंगे जो धार्मिक और नैतिक होगी तो उसके दिल के अंदर उदारपना उसके अंदर धार्मिकपन नैतिक शिक्षा ये सारी चीजें हेल्प करेंगी तो शिक्षा धार्मिक और नैतिक शिक्षा के ऊपर भी बेस होनी चाहिए यौन शिक्षा भी देनी चाहिए क्योंकि तो आपको पता है कि किशोर बालक और बालिकाओं की अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी काम प्रवृत्तियों से होता है याद रखना अगर आपसे पूछे कि, कि किशोरों की समस्याएं ज्यादातर किस चीज से रिलेटेड होती है आप मानोगे नहीं लेकिन सच्चाई है किशोर बालक और बालिकाओं की सबसे ज्यादा समस्याओं का संबंध उनकी काम प्रवृत्तियों इसीलिए स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन देना भी शुरू कर दिया अपराध प्रवृत्ति पर आपको पता है कि अपराध प्रवृत्ति किशोरावस्था में 12 से 18 साल के बीच में ज्यादा आ जाती है क्रिमिनल्स इस टाइम पर बनने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है तो याद रखना किशोर में अपराध करने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है निराशा इस कारण को दूर करने के लिए शिक्षा ही एक हथियार है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी आदमी को लाइफ में निराश ना करे क्योंकि निराश हुआ गलत रास्ते पर आदमी चला तो आपराधिक प्रवृत्ति पर निरंकुश अंकुश तो तो लगाने वाली शिक्षा होनी चाहिए अब निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं किशोरावस्था का निष्कर्ष क्या हमने देखा कि 12 से 18 वर्ष के बीच में यह अवस्था थी और इस अवस्था में होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ यानी कि शारीरिक विकास भी बहुत हुए सामाजिक विकास भी बहुत हुए इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत हुआ कोबिनेटिव डेवलपमेंट भी बच्चे के अंदर ऊंची आकांक्षाएं ऊंची कल्पना नई आदतें और इमोशंस में बहुत ज्यादा जो है ऊपर नीचे होना ये सारी चीजें हमने किशोरावस्था के अंदर देखी अब किशोरावस्था से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं और आएंगे तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी तनाव और क्रोध की अवस्था और तूफान की अवस्था है दूसरी किशोरावस्था अगला क्वेश्चन आता है मां बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथ ही बालकों की संगत को पसंद करना किशोरावस्था एक्टिव मेंबर बन जाता है अपने ग्रुप का मां के पल्लू से निकलकर बाहरी दुनिया में एक तेरह वर्ष का बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है वह विकास किस अवस्था में किशोरावस्था आपने देखा होगा अपने से थोड़े बड़ों से जो झगड़ा करे और बोले मैं ठीक हूं आप नहीं तो ऐसे करने की कोई, कोई कोशिश करे तो वो किशोरावस्था में होगा आपने एक चीज देखी होगी कि जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनको कोई अगर कोई नया टीचर पढ़ाने आए तो उस नए टीचर की बहुत वो क्लास समझ रहे हो मेरी बात उस टीचर की वो बहुत क्लास लेते हैं आगे मनोविज्ञानिक के अनुसार या मनोविज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे कॉम्प्लेक्स और कठिन है सबसे कॉम्प्लेक्स और कठिन किशोरावस्था होगी क्योंकि सामाजिक दायरा सबसे बढ़ गया होगा मानसिक विकास सबसे ज्यादा हो गया होगा और फिजिकल डेवलपमेंट भी आप की सीमा क्षेत्रों तो में किशोर अवस्था होगी सीधी सी बात है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का, काल का है? इसका आ ठीक है। किसने कहा था किसने कहा था एक सेकंड। आ गया ये। हां तनाव तो और तूफान का काल कहा था टैनले हॉल ने इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच में डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि एवं 14 से 18 वर्ष की आयु डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से यानी कि बाल्यावस्था के अंदर लड़कियां जल्दी डेवलप करेंगी लड़कों से हाइट वेट उनका जल्दी बढ़ेगा लेकिन किशोरावस्था में लड़कों का ज्यादा बढ़ेगा लड़कियों से याद रखना पहला बारह से चौदह वर्ष की आयु में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है जबकि 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई में मांसपेशियां यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो तो आंसर आ जाएगा यहां पर इरेजर से सेकंड दो यार आंसर आ जाएगा यहां पर दो ठीक है क्लियर अगला देखो एक एक ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपना समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं ग्रुप फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो जाता है बाल्यावस्था में ही लेकिन अगर बात की जाए एक्टिव मेंबर होने की तो एक्टिव मेंबर किशोरावस्था में होंगे कब होंगे किशोरावस्था में अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है फास्ट फ्रेंड कब बनते हैं फास्ट फ्रेंड बनते हैं किशोरावस्था में तो बाल्यावस्था क्यों आ गया ये भाई किशोरावस्था आंसर आएगा दूसरा आंसर नहीं आएगा इसका ठीक है आगे बढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्था वाले ये क्वेश्चन गलत है किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है यौन संबंधी कौन सी यौन संबंधी समस्या ऑप्शन नंबर सेकंड सेकंड या जैसे मैंने बताया आप जब किसी रोड में किसी वस्तु जब किसी रोड में किसी वस्तु समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस अवस्था को तो इस को क्या कहते हैं यानी कि कोई चीज क्या है किसी समस्या को आपको सॉल्व करना है तो आपको किस डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी भाई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सीधी सी बात है संज्ञानात्मक विकास कोअर्गनेटिव डेवलपमेंट की बात करेगी हाथ पैर से थोड़ी दिमाग से सोचना पड़ेगा तो आंसर आएगात्मक विकास मैं कौन हूं क्या हूं मैं मैं भी कुछ हूं आदि जैसी बनाता है। कि अवस्था। चिंतित रहता है बच्चा पूरे टाइम तो ये थी आज की क्लास मुझे तो लगा था कि मैं इस क्लास के अंदर कितना टाइम लूंगा मुझे तो लगा था क्लास के अंदर देखो 108 स्लाइड इतनी स्लाइड मैंने आपको पढ़ाई है दो घंटे में अब ये दो घंटे में बीस स्लाइड के ऊपर भी लगा सकता था लोग तो आपको दस दस घंटे तीन तीन घंटे भी पढ़ाते हुए दिखेंगे मैराथन ने वीडियो का नाम ले दिया तो उसके अंदर तीन घंटे में कितने क्वेश्चन कराते हैं चालीस क्वेश्चन दस क्वेश्चन और उस तीन घंटे में इतनी चीजें आपको नहीं दिखेंगी पूरे YouTube के ऊपर बाल विकास की दो घंटे सोलह मिनट के अंदर इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव इससे ज्यादा क्लियर और इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वीडियो आपको नहीं मिलेगी जो चीज मैं करवाने आया था वो चीज मैं करवा चुका हूं आपको क्योंकि मेरा मकसद था संपूर्ण बाल विकास एक ही वीडियो में करवाना तो तीनों एग्जाम को तोड़ डाले सी को भी यूपी टेट को भी और रीट और ऐसा ही हुआ पेपर में आग लगा दोगे एक चीज अगर आपने लिख ली इस वीडियो की जो मैंने बोला देखते ही पेपर यहां से क्वेश्चन भर भर के आएंगे और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो इस पूरी वीडियो को देखेगा पूरी वीडियो को मेरे पास आ जाता है डाटा जिसने लाइक किया होगा इस वीडियो को जो नीचे कमेंट करेगा उसमें से मैं चार स्टूडेंट्स को कल सिलेक्ट कर लूंगा जिनको मैं बैक टू स्कूल एंड्रॉइड एप्लीकेशन का फ्री सब्सक्रिप्शन दे दूंगा अनफॉर्चुनेटली चार ही हैं अभी लेकिन आप सभी लालच में मत रहो ठीक है ना सब्सक्रिप्शन ले लो दस हजार से ज्यादा स्टूडेंट कॉल कर चुके जो आपके एग्जाम आएंगे टेट एग्जाम से ज्यादा चीजें हमारी ऐप के अंदर से ही आएंगी क्योंकि इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश में सारा कंटेंट डाला हुआ है मॉक टेस्ट नोट्स सफलता आपके हाथ में है ठीक है दोस्त तो लाइक शेयर करना और तीनों एग्जाम के स्टूडेंट राजस्थान वाले यूपी वाले और दिल्ली वाले इस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि तभी आपका नाम जो है उस लिस्ट में सिलेक्ट हो सकता है और वैसे भी आपको क्लास अच्छी लगी होगी तब भी यह कोई रीजन नहीं है क्लास अच्छी लगी है इसलिए करना है नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो कब होगी कल नेक्स्ट वीडियो कल यह पहला था कल दूसरा चैप्टर लेकर आऊंगा वो तीन घंटे का होगा नहीं वो एक डेढ़ घंटे का ही होगा वो इतना लंबा नहीं होगा यह चैप्टर बहुत लंबा था इसलिए मैंने सोचा कि लंबा ही ले, ले लेता हूं फिर मैं सेशन पहले वाला दूसरा सेशन इससे कम लंबा होगा ठीक है टेक केयर दोस्तों गुड नाइट शेयर करना यार दोस्तों तक पहुंचा देना और क्लास कैसी लगी दिल खोल के कमेंट करना अब मत शर्माना बिल्कुल भी चार बच्चे देख रहे हैं चार तो कमेंट होने ही चाहिए क्योंकि दो घंटे मैंने मेहनत की है सिर्फ आपके प्यारे कमेंट देखने के लिए सिर्फ आपसे ये सुनने के लिए कि हाँ सर हमें बहुत समझ में आया इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं होगा आप तो कमेंट जरूर करें और जो काम कहिए वो करें थैंक यू सो मच एवरीवन टेक केयर गुड नाइट कल मिलता हूं आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास अपना सीड आप कहते हैं ना कि अपनी लस्सी तो किसी को खट्टी लगती नहीं है तो मुझे तो अच्छी लगी रही है आपको कैसी लगी तो ये भी जरूर बताइए मेरा माउस चलना बंद हो गया एक बात तो मुझे लग रहा था कि यार इतनी बड़ी क्लास है मैं ले पाऊंगा या नहीं लेकिन मुझे भरोसा था कि मैं तीन घंटे अगर अंदाजा लगा के चलाऊं तो मैं दो घंटे में सारी चीजें करवा दूंगा ये जितनी चीजें मैंने करवाई ना पांच घंटे भी नहीं पाँच घंटे में भी टीचर नहीं करवा सकता आपको खासकर यूट्यूब वाले क्योंकि वो दो घंटे में एक एक छोटा सा टॉपिक समझाते हैं आपको उन्हें आठ या नौ वीडियो लग जाएंगी शैशवावस्था क्या होती है शिक्षा का स्वरूप क्या होता है उसके अंदर चारों डेवलपमेंट के एरियाज को समझाना उन सब के लिए अलग अलग वीडियो फिर बाल्यावस्था का इंट्रोडक्शन अलग विशेषता अलग समस्या अलग संवेगात्मक विकास अलग मानसिक अलग सामाजिक अलग वो तीन चार वीडियो फिर उनके निक नेम की अलग वीडियो बना के पेल देते हैं अरे मैंने वीडियोस देखी कि इस वीडियो को देखते ही पूरा सीटेट और उसमें क्या आठ पास या नौ तरीके के वो लिख रखे ये डिस्ग्राफिया ये डिस्कैलकुलर ये वो कैलकुलिया अरे भाई गलती उनकी नहीं है गलती इनमेच्योर स्टूडेंट्स की है जो मुझे समझ में ही नहीं आता कि किन किन चीजों से तो आजकल पढ़ रहे हैं और उनको ये लगता है कि जैसे ये जो टीचिंग का एग्जाम्स जो पास करना होता है बच्चों का कहला भाई ऐसे में टेट एग्जाम तो पास कर लोगे लेकिन जब रियल नौकरी लगने की बारी आएगी ना तो आपको अपना टाइम ऐसी वीडियोस में देना पड़ेगा जैसी वीडियो आज अपना टाइम बाकी समझदार आप हैं कहीं मुझसे भी ज्यादा कल मिलना क्लास में जो आज लेट हो गए थे कल लेट नहीं होना है आठ बजे ही क्लास होगी बाय